Good morning, good morning, everyone. Good morning. गुड मॉर्निंग तानिया गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन चलो एक मिनट और वेट कर लेते हैं कोई आता है तो ठीक है वरना फिर हम स्टार्ट करते हैं मैसेज कर दो अपने फ्रेंड्स को भी जिनके पास नहीं पहुंचे अभी लाइव like का नोटिफिकेशन अदरवाइज विल स्टार्ट Start करें फिर आज का लेक्चर चलो हेलो एवरीवन वेलकम टू वेडमी मेरा नाम है कौशिक और आज हमारा साप्ताहिक महाकुंभ का नेक्स्ट लेक्चर है इसी के साथ हम आन पिछले जितना भी आपका वीक है इसी का ही करंट अफेयर जो है वो कंप्लीट कर लेंगे तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर ठीक है सो फर्स्ट न्यूज इज स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड तो स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड अभी है क्या देखो यूजली वी यूज डेबिट कार्ड फॉर द सेक ऑफ ट्रांजेक्शन ठीक है जब हमें नॉर्मल ट्रांजेक्शन करनी होती हैं अपने बैंक अकाउंट से तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं डेबिट कार्ड यूज करते हैं और क्रेडिट कार्ड किसके लिए यूज होता है जिसमें हमें एक्सेस ऑफ ट्रांजेक्शन करनी होती है रादर देन द लिमिट ठीक है वो बेसिकली क्या है एक तरीके से आप लोन ले रहे हो या उधार ले रहे हो बैंक से क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड क्या है जो अमाउंट आपके बैंक में होता है आप वही सिर्फ उससे निकाल सकते हो राइट सो so, अभी बात हो रही है किस चीज़ की स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड की स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड के अंडर क्या होगा कि एक स्टिकर आएगा स्टिकर को आप चाहे फोन के पीछे चिपका लें किसी और गैजेट के पीछे चिपका लें वॉलेट्स में कहीं पे भी स्टिक कर लें ठीक है और वो जो आपका क्या कहते हैं चिप है वो वर्क करेगी एन के ऊपर ठीक है एन क्या होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन जिसको भी याद हो एन जब पहले जब हम फोन से आ, फाइल्स ट्रांसफर करते थे तो इनिशियली इट वॉज स्टार्टेड बाय द ब्लूटूथ है ना ब्लूटूथ के थ्रू हम सॉन्ग्स को गिव एंड टेक या कोई भी फाइल या कोई भी इमेज है उसका क्या है ट्रांसफर करते थे फोन टू फोन आफ्टर दैट एक एन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें एक सिंगल टैप होता था लाइक फोन टू फोन अगर आप बैक टू बैक टैप करोगे तो डाटा विल गेट ट्रांसफर ठीक है वो जो डाटा है दूसरे फोन में चला जाएगा बट उसके लिए दोनों फोन में एनएफसी होना जरूरी था ठीक है अब ये जो आपका आया है डेबिट कार्ड ये ये जो आपका स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड है ये एन पे ही बेस्ड है इट्स लाइक सिंगल टैप ठीक है सिंगल टैप आप उसके साथ करोगे जो भी आपका क्या कहते हैं मशीन है जहाँ पे भी आपको पेमेंट करनी है और वहां पे सीधा सीधा आपकी पेमेंट जो है वो हो जाएगी ठीक है अभी हम यूपीआई वगैरह यूज करते हैं डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो हम कार्ड कैरी करने की हमें जरूरत नहीं रहेगी स्पेसिफिकली ठीक है तो ये एक इसका बेनिफिट है कि आप किसी भी चीज के ऊपर फोन एयरपोर्ट्स या फिर आपका वॉलेट हो गया या फिर कोई कोई भी चीज जो भी आप यूज कर रहे हो उसके साथ आप इसको पेस्ट कर सकते हैं ठीक है चलो अब हम बात करते हैं कि ये किसने स्टार्ट किया है सो आई बैंक इन एसोसिएशन विथ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ठीक है उन्होंने फर्स्ट ये फर्स्ट बैंक है जिसने क्या लॉन्च किया है आपका स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम बात करते हैं इसका नाम तो नाम क्या है फर्स्ट टैप क्या फर्स्ट एफ आई आर एस टी फर्स्ट टी ए पी टैप ठीक है टैप इन सेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कि ये टैप टेक्नोलॉजी है एन एफ सी को हम टैप टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं क्योंकि सिंगल टैप में सारा जो डाटा है आपका वो ट्रांसफर हो जाता है ठीक है अब हम बात करेंगे इसकी साइज की सो so, जो ऑरिजिनल और, आपका डेबिट कार्ड का होता है उससे ये वन थर्ड होगा इन साइज में ठीक है ऑफर रेगुलर डेबिट कार्ड बाकी एज आई टोल्ड कि आप फोन पे आइडेंटिटी कार्ड वॉलेट्स एयरपोर्ट केसेस पे कहीं पे भी इसको सरफेस ऑफ योर चॉइस पे आप इसको क्या कर सकते हैं बेसिकली पेस्ट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं इसके थ्रू आपको ये क्यू आर कोड स्कैनिंग यूपीआई पिन और इन सब की जरूरत जो है वो बंद हो जाएगी ठीक है आप सीधा सिंगल टैप के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं क्लियर है आगे चले नमस्ते नमस्ते <laughs> आगे चले क्लियर है स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड टेक्नोलॉजी कितनी आगे चली गई ना अब इससे पेमेंट भी होंगी एनएफसी के थ्रू गुड मॉर्निंग चलो आगे चलते हैं सो so, नेक्स्ट स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार अब स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार फर्स्ट ऑफ ऑल देता कौन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन प्रोवाइड करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दिया किस लिए जाता है दैट हैव है वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन ठीक है किस फील्ड में दिया जाता है वाटर सेनिटेशन एंड हाइजीन उसके अलावा हम ये देखेंगे कि इस अवार्ड के पैरामीटर क्या होते हैं तो पैरामीटर जो इसके होते हैं दैट इज वाटर टॉयलेट्स हैंड वॉशिंग विथ सोप ऑपरेशन मेंटेनेंस बिहेवियल चेंज एंड कैपेसिटी क्या थे इसके पैरामीटर थे इन पैरामीटर के ऊपर रैंकिंग होती है स्कूल की और उस हिसाब से आपका स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार जो है वो प्रोवाइड किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अब अगर हम बात करें कि दिया किसको गया है तो इस ईयर थर्टी नाइन स्कूल्स ठीक है अक्रॉस द कंट्री उनको ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है कितने स्कूल्स को थर्टी नाइन स्कूल को इसमें आपके प्राइवेट भी इंक्लूडेड है ठीक है अब हम बात करते हैं कितने लोग कितने हैं ट्वेंटी एट वर गवर्नमेंट एंड इलेवन वर प्राइवेट स्कूल ठीक है ट्वेंटी एट गवर्नमेंट स्कूल है बाकी इलेवन प्राइवेट है गवर्नमेंट में आपके नवोदय कस्तूरबा गांधी केंद्रीय विद्यालय सब आपके इंक्लूड होते हैं गवर्नमेंट एडिड में देन इलेवन आपके प्राइवेट है अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम बात करें कि एलिमेंट्री कितने हैं और सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी कितने हैं तो एलिमेंट्री आपके सेवेंटीन स्कूल हैं और ट्वेंटी टू आपके सीनियर सेकेंडरी है और इसके अंदर क्या किया गया है कि ये जो थर्टी फोर जो स्कूल्स हैं ठीक है थर्टी नाइन को बेसिकली क्या मिला है अवार्ड मिला है पर इसमें से जो थर्टी फोर स्कूल हैं उनको अवार्ड कैश प्राइज़ मिला है सिक्सटी थाउजेंड का और उसके अलावा जो आपके चार स्कूल क्या कहते हैं उसके अलावा जो आपके स्कूल बच जाते हैं उनको क्या मिला है उनको ट्वेंटी uh, थाउजेंड अवार्ड मिला है ठीक है ट्वेंटी थाउजेंड कैश प्राइज मिला है फॉर द सेक ऑफ फर्दर डेवलपमेंट सो दैट वो थोड़ा सा सिर्फ इससे कुछ फ़ायदा इतना ज़्यादा नहीं है इतने कम अमाउंट से एक स्कूल के लिए बट इट इज़ फॉर द सेक ऑफ़ कि इंसान को अंदर से मोटिवेशन आए ठीक है थीके? वो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको थोड़ा मोटिवेशन आए फॉर द नॉमिनल मॉनिटरी टर्म जो भी उसको बेनिफिट मिल रहे हैं क्लियर है आगे चलें क्योंकि स्कूल के लेवल पे अगर देखोगे तो साठ हजार में तीस हजार में क्या आप मैनेज कर लोगे बीस तीस हजार में नॉट पॉसिबल इन इनफैक्ट दस दस बीस बीस लाख के खर्चे हो जाते हैं तब भी इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा सुधार नहीं आता है ठीक है आगे चले क्लियर है चले आगे इज इट क्लियर सो द नेक्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया सो कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया कब मनाया जाता है ट्वेंटी सिक्स ऑफ नवंबर वाई सो बिकॉज इस दिन एडोप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था क्या हुआ था एडोप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है बाकी उसको इफेक्ट कब से लाया गया था 26 जनवरी 1950 जिसको हम गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे भी बोलते हैं ठीक है अगर हम बात करेंगे कि ये मनाया कब से जा रहा है और किसने इसकी अनाउंसमेंट करी थी सो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट उन्होंने अनाउंस करा था कि सेंटर ऑफ ट्वेंटी सिक्स ऑफ जो आपका नवंबर है उसको क्या बनाएगी एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करेगी और कब से ये हो रहा है फ्रॉम 2015 ठीक है 2015 से हमने कॉन्स्टिट्यूशन डे को मनाना स्टार्ट किया है वायसो टू अवेयर पीपल रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ठीक है लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बारे में बताने के लिए उनके अंदर इस चीज को प्रमोट करने के लिए बेसिकली ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है आगे चले क्लियर है कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया क्लियर है आगे चले चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं तो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई डील अब वाई लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट इन देंस नॉट इन देंस ऑफ क्या बोलते हैं लेंथ इट इज इन द सेंस ऑफ इयर्स ठीक है काफी ज्यादा टाइम के लिए सो ट्वेंटी सेवन ईयर के लिए एक नेचुरल गैस सप्लाई डील हुई है चाइना और कतार एनर्जी के बीच में ठीक है चाइना और कतार एनर्जी के बीच में ट्वेंटी सेवन ईयर लॉन्ग डील हुई है सत्ताईस साल के लिए एक डील साइन हुई है दैट्स इट इज द लॉन्गेस्ट डील नाउ ठीक है और अगर हम बात करेंगे कि इसका बेसिकली कहाँ से कहाँ तक है तो ये होगा आपका नॉर्थ ईस्ट फील्ड नॉर्थ फील्ड ईस्ट प्रोजेक्ट टू चाइना पेट्रोल केमिकल कॉरपोरेशन सिनोपैक ठीक है यहाँ से लेके आपका नॉर्थ फील्ड ईस्ट प्रोजेक्ट जहाँ पे आपका बेसिकली जो लिक्विफाइड गैस है उसका जो क्या कहते हैं प्रोडक्शन है वहाँ से लेके आपका चाइना पेट्रोलियम एंड केमिकल कॉपरेशन सिनोपैक तक ठीक है वहाँ तक इसका क्या होगा बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन होगा देन अगर हम बात करेंगे नॉर्थ फील्ड इज अ सेंटर ऑफ कतार एक्सपेंशन यहाँ पे कतार के इस टाइम पे सबसे ज्यादा एक्सपेंशन चल रहा है रिगार्डिंग द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज वगैरह जो है क्योंकि यहाँ पे रिजर्व उनके पास प्रेजेंट है जिसमें से अगर हम बात करें कि 126 मिलियन सिक्स अ ईयर बाय 2027 और कितना ज्यादा होने वाला है ये वन ट्वेंटी सिक्स मिलियन टन्स इन अ ईयर बाय ट्वेंटी 2027 अब इससे फायदा क्या हुआ है बेसिकली कि एक तो ये एशियन रीजन में फर्स्ट डील है जो कतार के साथ साइन हुई है दैट इज चाइना ने की है ठीक है फर्स्ट डील है जो कतार के साथ साइन हुई है रिगार्डिंग योर रिसोर्सेज जो आपका ये क्या कहते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस के रिगार्डिंग है और हम इसके ये क्यों साइन हुई है क्योंकि ये जो यूक्रेन और रशिया वाला जो चल रहा है उसकी वजह से ऑलरेडी जो ये सप्लाईज वगैरह है काफ़ी ज़्यादा uh, क्या कहते हैं हिंडर हो रही है सो so, ये वाला जो है ये एक बेनिफिशियल है एशियन रीजन के लिए क्योंकि फर्स्ट साइन हो चुकी है देर आर चांसेस की आगे जाके के साथ भी साइन हो जाए ठीक है क्लियर है आगे चले आगे चले क्लियर चलो गाइस आई एन एस मोर मुगाओ इससे पहले हम कितने पढ़ चुके हैं आई एन एस विक्रांत हमने अभी पढ़ा था ठीक है अब हम पढ़ेंगे आई एन एस मोरमुगाव अब आई एन एस मोर मिगराव क्या है पहली बात तो 2021 में ठीक है 2021 में एक प्रोजेक्ट था डेट इज फिफ्टीन बी ठीक है एक फिफ्टीन बी प्रोजेक्ट जो है वो साइन हुआ था इसके अंडर बेसिकली क्या बोला गया था कि चार वॉर्डशिप आने थे ठीक है चार आपके शिप्स आने थे ठीक है नाम क्या था इम्फाल सूरत विशाखापट्टनम एंड मोरमुगाव ठीक है चार शिप आने थे इसके अंदर ठीक है और उनका नाम क्या था इंडियन स्टेट्स के ऊपर था डेट इज इम्फाल सूरत इंडियन सिटीज के ऊपर सॉरी इम्फाल सूरत विशाखापट्टनम एंड मोरमुगॉ ठीक है इनके ऊपर इन चारों शिप्स का नाम रखा गया था अब ये जो चारों शिप है, क्या है? हैं क्या है स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स हैं क्या है स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स स्टेल्थ क्या होती है पहली बात तो स्टेल्थ शिप या स्टेल्थ जो आपकी मिसाइल्स uh, वगैरह होती है वो क्या होती है जिनको ट्रैक करना इजी नहीं होता जो रडार सिस्टम में भी आप ट्रैक नहीं कर सकते वो स्टेल्थ स्टेल्थ शिप्स या स्टेल्थ मिसाइल्स वगैरह होती है अब जो स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है इट मीन दैट दे कैन ठीक है टैकल दैट अपार्ट फ्रॉम इट ये जो है वॉरफेयर में इंडिया को क्या करेंगी सुरक्षित करेंगी उनको गार्ड करेंगी ठीक है सो डिस्ट्रॉयर बींग बिल्ट बिल्ड कहाँ पे हुआ है मेजाकडॉन डॉक शिप यार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड ठीक है एम डी एल के यहाँ पे ये बिल्ड हुआ है अब ये जो है सेकंड है इस प्रोजेक्ट का फिफ्टीन बी प्रोजेक्ट जो था उसमें चार शिप थी ठीक है ये सेकंड शिप है फर्स्ट वन इज आई एन एस विशाखापट्टनम विच इज ऑलरेडी कमिशन इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ठीक है वो दो हजार इक्कीस से ही काम में लगा हुआ है जो आई एन एस विशाखापट्टनम है दिस वन इज सेकेंड दोर मुगाव देन देर आर टू मोर दैट इज इम्फाल एंड सूरत ये दो जो और हैं आई एन एस इम्फाल एंड सूरत ये दो भी जल्दी आपको देखने को मिलेंगे अंडर द प्रोजेक्ट फिफ्टीन बी अब जो ये फिफ्टीन बी प्रोजेक्ट है ये आया है अंडर द प्रोजेक्ट फिफ्ट मतलब आफ्टर द प्रोजेक्ट फिफ्टीन ए ठीक है फिफ्टीन ए के कॉन्टीन्यूएशन में आया है जो कोलकाता क्लास में प्रोजेक्ट फिफ्टी ए जो स्टार्ट हुआ था जिसके अंडर आपका जो ये वाला डिस्ट्रॉयर थे ये ही कमांड किए गए थे ठीक है क्लियर है आपका ठीक है देन अगर हम बात करेंगे कि मोर्मुग डिजाइन किसने किया है इट इज डिजाइन बाय द वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ठीक है द इंडियन नेवी का जो हाउस ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एंड बिल्डिंग इसकी किसने की है मेजरडॉन बिल्डर्स लिमिटेड जो आपका बेसिकली uh, क्या है ये मुंबई में बेस्ड uh, एक uh, है कंपनी जो आपकी शिप बिल्डिंग करती है उन्होंने बिल्ड किया है अपार्ट फ्रॉम इट ये फिफ्टीन बी है इसके अलावा फिफ्टीन ए विशाखापट्टनम में आ चुका है देन अगर हम बात करेंगे स्पेसिफिकेशन की वन सिक्सटी थ्री मीटर लॉन्ग है मीटर वाइड है ठीक है और अराउंड सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड टन सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड टन इसकी क्या है कैपेसिटी है ठीक है क्लियर है आगे चलें, और मैक्सिमम स्पीड कैन बी थ्री हंड्रेड नॉट नॉट क्लियर है आगे चलें, क्लियर है आगे चलें चलो आगे चलते हैं तो वर्ल्ड फर्स्ट डिसेबल ऑस्ट्रोनिट एस्ट्रोनॉट रिसेंटली द यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने द फर्स्ट पैरा एस्ट्रोनॉट एक टर्म जो है ठीक है पैरा एस्ट्रोनॉट पैरा एस्ट्रोनॉट बेसिकली कौन होंगे वो लोग जो फिजिकल डिसेबिलिटीज की वजह से ही एस्ट्रोनॉट नहीं बन पाए ठीक है बाकी वो पूरे तरीके से फिट हैं मेंटली इमोशनली हर एक तरीके से लेकिन वो सिर्फ फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो वो कौन है हमारे पैरा एस्ट्रोनॉट्स ठीक है उस बेस पे हमने किसको चूज करना स्टार्ट किया है पैरा एस्ट्रोनॉट्स को अब इनके रिगार्डिंग ब्रिटिश पैरा ओलंपिक स्प्रिंटर जोन मैकफॉल ठीक है ये आपके कौन बने हैं फर्स्ट पैरा एस्ट्रोनॉट बने हैं अपार्ट फ्रॉम इट ये हैं कौन मैक फॉल वू एस राइट लेग इनका जो था मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में आ, क्या था आपका मतलब लॉस हो गया था उनका जो राइट right लेग था उसका ठीक है एट द एज ऑफ नाइनटीन स्टिल उन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया था इन द हंड्रेड मीटर रेस जो उनकी होती है पैरा ओलंपिक गेम्स की जो बीजिंग में हुई थी तो स्टिल उनके पास एक मेडल है इवन आफ्टर लूजिंग अ लेग तो पैरा ओलंपिक गेम में उनके पास अभी भी क्या है मेडल है दैट्स वाई वो कंसीडर किए गए मेंटली फिट इमोशनली फिट और मतलब बाकी हर तरीके से फिट सिर्फ फिजिकल डिसेबिलिटीज की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए और उन्हें अब क्या बनाया गया है पैरा एस्ट्रोनॉट बनाया गया है फर्स्ट क्लियर है आगे चलें चलें आगे एक एस्ट्रोनॉट को बहुत सारे पैरामीटर पे चेक किया जाता है इमोशनली मेंटली फिर वो किस हिसाब से सर्वाइव कर सकता है रिजाइलेंस उसका क्या है क्योंकि ऊपर जो आपकी कंडीशन होती है ना स्पेस में वो नॉर्मल नहीं होती एवरी वन रोज तो वहां पर वो कितना रिजाइलेंट है कितने किस हद तक वो एडजस्ट कर सकता है रिगार्डिंग द जो भी उसको वहाँ पर मेजर दिक्कतें हो रही हैं तो हर तरीके से उसे चेक किया जा सकता है तो ही इज कंसिडर्ड फिट इन दैट ठीक है उनको फिट कंसिडर करा गया है दैट्स वाई ही इज चूज एज दैरा एस्ट्रोनॉट चलो गाइस आगे चलते हैं समान समानवे ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ठीक है इंडियन एयरफोर्स एयरफोर्स कंडक्ट कर रही है क्या एनुअल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियर असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज समान वे कब से कब तक होने वाली है ये एक तो ये है ह्यूमैनिटी रेसिस्टेंटर डिजास्टर डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ बेसिकली ये देखते हैं कि हम कितने ज्यादा केपेबल हैं डिजास्टर से लड़ने के लिए हम क्या क्या एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं अगर कहीं पर कोई चीज होती है कोई नेचुरल डिजास्टर होता है तो हम कितनी जल्दी जो जनता है उसको वहां से बाहर निकाल सकते हैं कितना मिनिमाइज हम उसके इम्पैक्ट को कर सकते हैं तो ये वो दिखाने के लिए बेसिकली है ये एक्सरसाइजेस कंडक्ट होती रहती है रीजन बीइंग कि थोड़ा सा ना वो बनी रहती है कि प्रैक्टिस में रहती है चीज़ें ठीक है प्रैक्टिस में रहती हैं तो थोड़ा वो ये ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट तो इस वजह से आपका ये जो एक्सरसाइजेज वगैरह है ये कंडक्ट होती रहती हैं कभी बायोलेटरल कभी दो देश मिलके साथ में करते हैं कभी सिंगल हैंडेडली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करती है रीजन बीइंग ताकि जो लोग हैं वो एक्टिव रहें उन्हें कॉन्टीन्यूसली कुछ ना कुछ ऐसा आता रहे जिसके थ्रू उनकी जो प्रैक्टिस है वो बनी रहे ठीक है सो so, सामान में 2022 आपका ह्यूमैंटियर असिस्टेंट असिस्टेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ के लिए है ठीक है कब से कब तक कंडक्ट हुआ है ट्वेंटी ऑफ नवंबर से थर्टीथ ऑफ नवंबर तक ये कंडक्ट हो रहा है कहाँ पर आपका एयरफोर्स स्टेशन आगरा में ठीक है एज आई टोल्ड इसका मेजर रीजन क्या है टू असेस द एफिकेसी ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिजास्टर मैनेजमेंट किस हद तक हमारी एफिशिएंसी है रिगार्डिंग द आपका जो डिजास्टर uh, मैनेजमेंट को लेकर देन

आर्म फोर्सेस, एन डी एम ए एन आई डी एम एन आई एन सी ओ एल एस ये सारी जो हैं एजेंसीज जो है वो साथ में आके इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रही हैं कहाँ पे आगरा में एयरफोर्स स्टेशन पे ठीक है और अलोंग विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस जितने भी स्टेक होल्डर हैं इसमें एशियन कंट्रीज के जो लोग हैं वो भी रिप्रजेंटेटिव अपने ले आ रहे हैं सो दैट फायदा क्या है इस चीज का अपने आइडियाज़ का एक्सचेंज ठीक है कोई भी डायलॉग कोई भी सबमिट कोई भी चीज होती है दैट कम्स आफ्टर उसको करने का रीजन क्या होता है कम्युनिकेशन को बढ़ाना आइडियाज़ का एक्सचेंज करना शेयर ऑफ व्यू शेयर ऑफ व्यू पॉइंट्स ठीक है वो बेसिकली उसका एक रीजन होता है देन अगर हम बात करेंगे कि इनके चीफ मिनिस्टर कौन है चीफ गेस्ट सॉरी चीफ गेस्ट कौन है श्री राजनाथ सिंह जो हमारे ऑलरेडी क्या है रक्षा मंत्री हैं ठीक है वो यहाँ के चीफ uh, गेस्ट है अपार्ट फ्रॉम इट एज आई टोल्ड मल्टी एजेंसी इंगेजमेंट इसमें आपको देखने को मिलेगा सिर्फ इंडियन एयरफोर्स नहीं है इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट कर रही है पर बहुत सारी जो इसमें एजेंसीज हैं, वो सारी इन्वॉल्व है दैट्स मल्टी एजेंसी प्रोग्राम क्लियर है आगे चले क्लियर है आगे चलें इससे एक चीज और देखने को मिलती है देखो सपोज सिर्फ डिजास्टर के टाइम पे ही ये जो एजेंसीज है वो साथ में आ रही है एक मतलब एक साथ काम कर रही है तो इनका कॉपरेशन आप नहीं बन नहीं बनवा सकते उस लेवल का लेकिन अगर चीजें होती रहती हैं, एक्सरसाइजेस होती रहती है तो एजेंसीज का जो कॉपरेशन है ना वो भी अच्छा हो जाता है क्योंकि देखो बार बार इंसान मिलते हैं तो एक फेवरिज्म तो क्रिएट हो ही जाता है कि चलो अपने साथ में काम कर लेंगे फ्रेंडशिप टाइप ऑफ थिंग्स ठीक है तो टाइज अच्छे हो जाते हैं सिमिलरली जो फंक्शनिंग है वो स्मूद हो जाती है एजेंसीज में वरना एजेंसीज अगर एक दूसरे को जानेंगी नहीं कि कहाँ पे कौन लोग हैं कैसे काम कर रहे हैं तो स्मूथ फंक्शनिंग इतनी अच्छे से नहीं हो पाती तो एक प्रैक्टिकल पॉइंट ये भी है इस चीज़ का कि एजेंसीज जब मल्टी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं तो उनका आफ्टर आप मतलब आपस में जो भी एक्सचेंज होता है जो भी बातचीत होती है तो उससे स्मूथ फंक्शनिंग होने में आपको हेल्प मिलती है चलो नेक्स्ट इज सोन जल ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ठीक है उन्होंने रिसेंटली इनैग्रेट करा है एनुअल यूथ फेस्टिवल सोन जल ट्वेंटी ट्वेंटी टू एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ऑन ट्वेंटी थर्ड नवम्बर ट्वेंटी थर्ड नवंबर पे आपका सोन जल जो बेसिकली आपका क्या है एक एनुअल फेस्टिवल है जो आपका कश्मीर में कंडक्ट होता है सॉरी यूनिवर्सिटी कश्मीर में कंडक्ट होता है अंडर द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और इसको कंडक्ट करता कौन है ऑर्गेनाइज़ कौन करता है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर ठीक है और इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है ये एक तरीके से कल्चर फेस्ट है तो वहाँ का जितना भी कल्चर है उसको सामने ला के दिखाने की बात होती है इसमें कि जो भी आपका कल्चर है उसको आप आगे पोर्ट्रे करते हैं तो इसके अंडर आपको कल्चर एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी एज वेल एज कॉम्पिटिशन टोटल इसमें ट्वेंटी फाइव इवेंट्स जो हैं वो होते हैं जिसमें आपकी पेंटिंग इस्लामिक कैलीग्राफी कोलाज डिबेट पोस्टर मेकिंग स्पॉट फोटोग्राफी पोइट्री रेसाइटेशन बॉलीवुड सिंगिंग ये सारा मतलब आपकी टोटल पच्चीस एक्सरसाइजेस है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं इस फेस्ट में जो कंडक्ट होती है और अपने ये कल्चर को आगे लाने की कोशिश करते हैं ठीक है और इसके अंदर हम ये भी बोल सकते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत क्योंकि एक सिंगल ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सारे जो टैलेंट्स हैं वो कोई भी स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा करिकुलर जो टैलेंट्स हैं वो कोई भी जो आपका स्टूडेंट है वो आके दिखा सकता है ठीक है देन सोनजल का मतलब क्या होता है मीन्स विच इज अ सिम्बल ऑफ होप इंस्पिरेशन एंड गुड फॉर्चून इन कश्मीरी लैंग्वेज ठीक है सोनजल का मतलब क्या होता है कश्मीरी लैंग्वेज में होप इंस्पिरेशन एंड गुड फॉर्च्यून अब ये बेसिकली क्या है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टैकल कर रहे हैं रिगार्डिंग द एक्स्ट्रा करिकुलर थिंग जैसे आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें भी हमने क्या बोला है कि वोकेशनल को भी हम थोड़ा ध्यान देंगे जो भी आपके बेसिकली करियर फोकस जो या फिर आपके जो ऑक्यूपेशन फोकस जो कोर्सेज है उन पर भी ध्यान देना जरूरी है एक्स्ट्रा करिकुलर इंटरेस्ट वगैरह को जिसमें हमने इंटर्नशिप वगैरह की भी बात करी है अंडर द एन तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है इन दिस एज वेल क्योंकि लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेंगे उस हिसाब से उन्हें बढ़ावा मिलेगा ठीक है सो उसको भी ये फॉलो करेगा रिगार्डिंग आपका बेसिकली देखा जाए तो फ्रीडम क्रिएटिविटी एंड एंगेजमेंट इन सबको ये क्या करेगा बढ़ावा करेगा और एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस स्लाइड की यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी घोषित कर दिया गया है फॉर द साइंटिफिक रिसर्च ठीक है तो so ये भी आपको याद रखना है क्योंकि uh, जो आपकी कश्मीर है वहाँ पर बहुत ज्यादा मेजर एडवांसेस हो रहे हैं और उन सबको याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले जो कश्मीर था वो इतना ज्यादा एडवांस नहीं था चले आगे क्लियर हो गया किसी को अगर ज्यादा फास्ट लगे तो प्लीज बोल देना आई टीच अ बिट स्लो क्लियर है चले आगे चलो तो नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी ठीक है नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग द 2021 सुसाइड रेट वाज पता है कितना 1.6 लाख 1.6 लाख सुसाइड रेट एंड दिल्ली टॉप्ड दिल्ली टॉप्ड अमॉन्ग द स्टेट्स

क्यों करता है इंसान जब उसे जिंदगी अच्छी नहीं लगती इट इज अ मेंटल हेल्थ इशू और मेंटल हेल्थ इशू कब अराइज होते हैं जब लोग अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है तो सम हाउ समेर कुछ लोग अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कर रहे हैं कुछ लोग क्या कहते हैं नहीं मतलब किसी के पास पैसा नहीं है किसी को मेंटल हेल्थ इश्यूज है मल्टीपल इश्यूज आर देयर बिकॉज ऑफ विच पीपल आर डूइंग सुसाइड्स और एक जो सिंगल टर्म है दैट इज डिप्रेशन ठीक है डिप्रेशन आप एक चीज बोल सकते हो जो एंड करता है इन द सीवियर थिंग विच इज सुसाइड ठीक सो अब इसको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि ड्यूरिंग द कोविड लोग क्या है बहुत अलग अलग रहे हैं कुछ लोग घर में बंद हुए ठीक है अपार्ट फ्रॉम इट चीजें क्या हुई हैं कि लोगों ने पूरा पूरा फैमिली जो है वो खो दिया है ठीक है ड्यूरिंग द कोविड ओनली लोगों ने पूरी पूरी फैमिलीज को खो दिया है सो so, एक लोनलीनेस का स्कोप फिर चीज़ें एक्यूमुलेट होने का स्कोप और अकेले रहने की वजह से डिप्रेशन के जो केसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और उस वजह से 2021 में उसके आफ्टर इफेक्ट्स आपको देखने में मिले हैं जिसकी वजह से सुसाइड्स का रेट जो है वो आपका 10 परसेंट इंक्रीज हुआ है उसके बाद से ठीक है अब इसकी प्रिवेंशन की हम बात कर रहे हैं ये फर्स्ट पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली इसलिए बनाई है कि हमें सुसाइड का प्रिवेंशन करना है अब जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सो द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अनवील्ड द नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पॉलिसी ठीक है फर्स्ट पॉलिसी है रिगार्डिंग द सुसाइड प्रिवेंशन देन द गवर्नमेंट टू प्रिवेंट सुसाइड एज अ पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी क्या बना दिया है सुसाइड को पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी बना दिया है ठीक है पब्लिक हेल्थ प्रायरिटी बना दिया जैसे हमने बीच बीच में एक एक कोई भी अगर इलनेस है उसको हम ऊपर लेके आते हैं और उसको कर्व करने की बात करते हैं क्योंकि उसके केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे होते हैं जब भी कभी डेंगू होता था एक बार पोलियो का हमारे में मिशन चलाता तो इसी तरीके से अब ये क्या है प्रायोरिटी बन के आया है क्या आपका पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी बन गई है सुसाइड को रोकना ठीक है देन द गोल क्या है इस स्ट्रेटेजी का टू रिड्यूस द सुसाइड मोर्टेलिटी इन द कंट्री बाय टेन ठीक है टेन परसेंट हमें डिक्रीज करना है बाय द ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री जो टेन परसेंट ट्वेंटी ट्वेंटी वन में बढ़ गया था उसके बाद से अब हम ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तक उसे डिक्रीज करने की बात कर रहे हैं अब इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं अगेन सिर्फ एक जो स्टेक होल्डर है वो प्रोवाइड नहीं कर सकता स्टेट गवर्नमेंट्स इंक्लूड होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूड होगा डिस्ट्रिक्ट जो आपका है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो आपकी गवर्नेंस है वो इसमें इंक्लूड होगी अपार्ट फ्रॉम इट निमहंस बेंगलोर जो आपका मेंटल इंस्टीट्यूशन है सबसे बड़ा वो इसमें इंक्लूड होगा ठीक है सो अब हम बात करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पहली बात तो इसके चार ऑब्जेक्टिव हैं चार में से फर्स्ट क्या है कि इफेक्टिव सर्विलेंस मैकेनिज्म फॉर सुसाइड विद इन द नेक्स्ट आने वाले तीन सालों में इफेक्टिव सर्विलेंस लगाना है इन द सुसाइड जो भी कुछ लोग ऐसा आपको लगता है कि दे कैन गो फॉर सुसाइड क्योंकि ऑलरेडी जो ऐसे लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं से या तो मेंटल हेल्थ असिस्टेंस के थ्रू या कैसे भी उनको पता लगाया जा सकता है हो सकता है घर वाले ही बता दे कि एक पर्सन सुसाइडल समथिंग लाइक दैट फ्रेंड्स बता दें तो सर्विलेंस इस हिसाब का करना है कि ये जो सुसाइड्स हैं या कोई अगर करने वाला है तो हम उसको टैकल करें सेकेंड वन इज इट सीक्स टू स्टेब्लिश साइकेट्रिक मल्टी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ठीक है एज आई टोल्ड डिस्ट्रिक्स और जो आपका लोअर लेवल गवर्नेंस है वो इसमें इंक्लूड होगा ठीक है सो साइकेट्रिक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट बनेंगे जिनका होगा डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ठीक है अंडर द डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो आपको सारी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगे नेक्स्ट फाइव ईयर में और ये आपके स्पेसिफिकली किसके ऊपर ध्यान देंगे लोगों की मेंटल हेल्थ के ऊपर देन थर्ड क्या है इंटीग्रेट द मेंटल हेल्थ वेलबींग करिकुलम इन एजुकेशनल इन नेक्स्ट एट ईयर आने वाले आठ सालों में जो आपका क्या कहते हैं नेशनल क्या कहते हैं आपका जो मेंटल हेल्थ है उसको हम करिकुलम में ऐड करेंगे मतलब बच्चों के साथ मे बी मेंसरसाइजेस कंडक्ट कराई जाए लाइक मेडिटेशन एंड ऑल माइंडफुलनेस की या फिर काउंसलिंग स्कूल्स में प्रोवाइड करी जाए काउंसलिंग का तो ऑलरेडी हो भी चुका है कि मैंडेटरी uh, हो गया है कि स्कूल में एक काउंसलर चाहिए ही चाहिए बच्चों के लिए ऑल दो स्कूल्स अभी इसको ढंग से फॉलो नहीं कर रहे बट इट इज मैंडेटरी करेंटली ठीक है देन द फोर्थ ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकली प्राइवेट स्कूल नहीं कर रहे क्योंकि उनको अपना थोड़ा वो रहता है ना प्रॉफ़िट मेकिंग तो एक इंसान जो उधर नॉर्मल बैठा हुआ है सिर्फ फॉर द सेक ऑफ द असिस्टेंस ओनली कभी काम पड़ेगा कभी बच्चा काउंसलिंग के लिए आएगा तो ही उसका काम है तो वो मतलब कंफर्टेबल नहीं है ऐसे लोगों को रिक्रेट करने में सो द फोर्थ ऑब्जेक्टिव उन्हें वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज लग रहा है तो फोर्थ ऑब्जेक्टिव इसका क्या है नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी का की स्ट्रेंथन करना है हमें सर्विलेंस सुसाइड का फॉर द फर्दर जनरेशन बाय द इवेलुएशन दैट विल इंश्योर इम्प्रूवमेंट इन द प्रोग्राम क्वालिटी और फोर्थ क्या है कि जो आपका ये प्रोग्राम है इसको ही आगे आप और ज़्यादा इसकी जो इम्प्रूवमेंट है उसको करने की बात करेंगे किसके लिए सुसाइड प्रिवेंशन के लिए अब हम बात करेंगे कि सुसाइड प्रिवेंशन में जो मेजर एजेंसीज हैं एज आई टोल्ड कि कौन कौन होगा तो मैं ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ कि फाइव की स्टेक होल्डर होंगे इसके अंडर जिसमें आपका नेशनल लेवल मिनिस्टर स्टेक होल्डर विच इज द सेंट्रल लेवल देन आपका स्टेट लेवल गवर्नमेंटल स्टेक होल्डर जो आपका स्टेट पे है देन डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंटल स्टेट होल्डर जो आपके कौन है डिस्ट्रिक्ट uh, लेवल पर है देन निमंस बेंगलोर ठीक है uh, ये कौन है निमंस बेंगलोर इज द टॉप मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट ठीक है देन द मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट एंड स्ट्रेटेजिक कोलेबोरेटर जो आपके स्ट्रेटेजी मतलब वही वाली बात है जो उस एरिया में होंगे वो भी इनके साथ कोलेब करेंगे रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम ठीक है हाउ इट विल भी इम्पली इम्प्लीमेंटेड इज आई ऑलरेडी टोल्ड यू तो क्लियर है आगे चले एक तो ना अपनी सोसाइटी मेंटल हेल्थ को लेकर स्टिग्मा बहुत है पीपल डों कंसिडर मेंटल हेल्थ एज अ नॉर्मल थिंग लोगों को ऐसा लगता है पागल है बट वो जो एक टर्म है ना पागल है ठीक है दैट इज द इन करेक्ट वन टू यूज फॉर द पर्सन हू इज सफरिंग फॉर मेंटल हेल्थ इलनेस क्योंकि मेंटल हेल्थ इलनेस जो यूजअली होती है वो किस वजह से होती है ब्रेन में जो आपके केमिकल्स हैं वो फ्लक्चुएट हो जाते हैं नॉर्मल लेवल पर नहीं होते सो so, ये जो केमिकल्स हैं ये नॉर्मल बॉडी में भी आपके फ्लक्चुएट होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हो लेकिन जब हेल्थ आपकी ब्रेन के थ्रू होती है मेंटल हेल्थ जब आपकी हिंडर होती है तब लोग डॉक्टर को सीख नहीं साइकेट्रिक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को सीख नहीं करते रीजन बींग स्टिग्मा यही स्टिग्मा जो है ये तोड़ना जो है बहुत जरूरी है अभी क्योंकि इस वजह से ही ये जो सुसाइड्स वगैरह वो इतनी बढ़ रही है लोग बाहर बोलने से डर रहे हैं दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस मेरे को दिक्कत हो रही है बट इट इज द मेन थिंग कॉज अगेन आपका ब्रेन ही जो है वही आपको चला रहा है तो इवन दो जो भी ये वीडियो देख रहा है वो भी इस चीज़ को ध्यान रखे दैट देर इज नथिंग बैड अबाउट इट अगर किसी को कोई भी दिक्कत है एन्जाइटी और इन सब से रिलेटेड कुछ भी ऐसा लग रहा है दैट समथिंग इज नॉट गुड विद मी तो बी ओपन अबाउट इट ठीक है मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो जजमेंटल नहीं होते किसी भी चीज को लेके इफ यू वांट टू सी योर साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट प्राइवेटली गो हर्ड विद डैट घर वाले अगर बोलते हैं कि घर वाले स्टिग्मा कंसिडर करते हैं बत बताओ घर वालों को अपनी हेल्थ को देखो ठीक है चलो भाई आगे चले क्लियर है एटलीस्ट किसी की ऐसी स्टेज ना आए कि इंसान को लाइफ ही अच्छी ना लगे ठीक है सो इस चीज को टैकल करना जरूरी है आगे चले क्लियर है नेक्स्ट ट्वेंटी सेकेंड इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन सो इंडिया पार्टिसिपेटेड इन ट्वेंटी सेकेंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग ठीक है ऑफ द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन अब इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन क्या है बेसिकली ये वो है ये वो एसोसिएशन है जो आपकी बेसिकली क्या है कि जैसे इंडियन ओशन है तो इंडियन ओशन को जो जो कंट्रीज हैं जो जो उसको क्या कर रही है कवर कर रही है साइड से जो उसकी बाउंड्री पर है तो उन सारे कंट्रीज की साथ में एक एसोसिएशन है तो इसको हम बोलते हैं इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन ठीक है इसकी मीटिंग रिसेंटली हेल्ड हुई थी ढाका इन बांग्लादेश ठीक है और इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था इंडियन डेलीगेशन किसने रिप्रेजेंट किया था मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने ठीक है अब हम बात करेंगे कि वाई इट इज सो ये स्टार्टिंग कब से हुई जब नेल्सन आपके साउथ अफ्रीकन प्रेजिडेंट नेल्सन मंडेला की जब फर्स्ट विजिट थी आपकी इंडिया में नाइनटीन में तब इसके बारे में बातचीत स्टार्ट हुई थी कि वी शुड गो फॉर समथिंग लाइक दिस ठीक है और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका रीजनल कॉपरेशन के बारे में बात करेगी रिगार्डिंग द इंडियन ओशन इंडियन ओशन को लेके जितने भी डिसीजन हैं उनके रिगार्डिंग ये बात करेगी इंटर गवर्नमेंटल इंटर गवर्नमेंटल मतलब दो गवर्नमेंट सेपरेट गवर्नमेंट सो बेसिकली ये इंटरनेशनल uh, टी है एक तरीके से रीजनल है नॉट इंटरनेशनल बट दो नेशंस के बीच में है ठीक है देन इंडियन ओशन रीजन में जितने भी हैं उनकी है ट्वेंटी थ्री मेम्बर स्टेट हैं इसमें ठीक है और टेन जो है वो डायलॉग पार्टनर्स हैं ठीक है ट्वेंटी थ्री जो है वो स्टेट्स हैं और बाकी जो आपके ट्वेंटी थ्री मेम्बर स्टेट्स हैं और दस जो है वो आपके डायलॉग पार्टनर्स हैं डायलॉग पार्टनर कौन होते हैं जो बेसिकली वहाँ पर आइडिया शेयर करते हुए बात कर सकते हैं बट तो उनका डिसीजन मेकिंग में कोई पार्ट नहीं होता ठीक है ये आप ध्यान रखें कि डायलॉग पार्टनर्स वो हो होंगे जो पॉलिसीज वगैरह को एक्सचेंज कर सकते हैं आइडियाज़ को प्रोवाइड कर सकते हैं बट दे कांट बी पार्ट ऑफ द डिसीजन ठीक है बाकी जो ट्वेंटी थ्री मेंबर है ये उस डिसीजन का पार्ट होंगे अब अगर बात करी जाए कि इसका नेचर क्या है इट इज अ टी पार्टाइट ट्री पार्टाइट ठीक है ठीक है क्या है यह आपका टी पार्टाइट ट्री टी रीजन uh, ये जो ऑर्गेनाइज एसोसिएशन है ट्री पार्टाइट है ट्री पार्टाइट मतलब तीन पार्ट्स में है तीन पार्ट्स में आपके गवर्नमेंट बिजनेस एंड एकेडमिया तीनों ही आपके इंक्लूड होते हैं टू फॉस्टर द कॉपरेशन अमोंग द इंडियन ओशन रीजन ठीक है इंडियन ओशन का जो रीजन है उसमें कॉपरेशन के लिए आपके तीनों ही पार्ट दैट इज़ गवर्नमेंट बिजनेस एंड एकेडमिया तीनों ही इसमें इंक्लूड होते हैं अब अगर हम बात करेंगे मेम्बर की तो मैंबर अगर मैं पढ़ने लगी तो बहुत देर लग जाएगी ठीक <laughs> है बट ये मेम्बर्स हैं जो मैंशन कर हैं आपको टेलीग्राम पर पी मिल जाएगा

जो आपका यूनाइटेड अरब इमारेट्स है उनके पास 2019 से 2021 तक थी बांग्लादेश से पहले यूएई के पास जो थी वो चेयरमैनशिप थी इसकी क्लियर है आगे चलें। क्लियर है आगे चलें। अभी ढाका जो है सॉरी बांग्लादेश जो है वो इसको प्रिसाइड कर रहा है मतलब चेयरमैनशिप उनके पास है अगर हम बात करते हैं कि पिछले इससे पहले इससे पहले यूएई के पास थी क्लियर है आगे चलें चलो रोटेटरी है इंडिया पे भी आएगी जरूर आएगी ठीक <laughs> तो, तो, है, है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ठीक है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है गरुड़ शक्ति जो ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ नवंबर को कंडक्ट हुई है एक्सरसाइज इज करंटली अंडर वे इन इंडोनेशिया कहां पे कंडक्ट हो रही है इंडोनेशिया एट संगा बुआना ट्रेनिंग एरिया कारवांग में ठीक है इंडोनेशिया में ये कंडक्ट हो रही है ये इस एक्सरसाइज का एर्थ एडिशन है ठीक है कौन सा एडिशन है एथ्थ एडिशन ठीक है जिसमें बेसिकली अगेन कॉपरेशन रीजनल कॉपरेशन की यहाँ बात होगी आइडियाज एक्सचेंज होंगे एज आई टोल इज समिट रीजनल डायलॉग ये सारे सेम चीज हैं इनमें बेसिकली क्या होता है बस समिट में ये होता है कि यूजुअली इट इज़ मोर फोकसड टवर्ड्स एजेंडा और समथिंग ठीक है बट ये क्या है इनमें बेसिकली आपके जो आइडियाज हैं वही इंटरचेंज होते हैं डायलॉग इंटरचेंज होते हैं बेसिकली एक बैठक करने का एक गेट टुगेदर करने का एक तरीका है आइडियाज़ को शेयर करने का जितनी भी चीज़ें होती हैं अब ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है तो ये आपके स्पेशल फोर्सेस की जो स्किल्स हैं वो शेयर कर रहे हैं न्यू वेपन इक्विपमेंट टेक्टिक टेक्निक्स प्रोसीजर एज वेल एज लेसन लर्न फ्रॉम द प्रीवियस ऑपरेशन इन सबको बेसिकली क्या करेंगे शेयर करेंगे ठीक है इट इज़ अ थर्टीन डे कॉम्प्रीहसिव ट्रेनिंग स्कड्यूल ठीक है थर्टीन डे की ये स्केड्यूल जो है वो चलेगा आपका ठीक है कब से चल रहा है ट्वेंटी फर्स्ट नवम्बर से चल रहा है और थर्टीन डे तक ये चलेगा ठीक है देन अगर हम बात करेंगे इसमें क्या क्या होने वाला है दैट इज फिजिकल फिटनेस टेक्टिकल ड्रिल्स टेक्निक्स प्रोसीजर ऑफ बोथ द आर्मीज ये सारी चीजें इसमें टेस्ट करी जाएंगी अपार्ट फ्रॉम इट ये टेररिस्ट कैंप के ऊपर कैसे हम टैकल कर सकते हैं कैसे उनसे डील कर सकते हैं देन रीजनल जो टेररिज्म है उसको कैसे इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट सब इसके अंडर आपका काउंट होता है रिगार्डिंग द uh, क्या टेररिज्म एंड जो भी आपका थ्रेट होता है नेशन को सब इसके अंडर काउंट होता है क्लियर है आगे चलें अपार्ट फ्रॉम इट कल्चरल एक्सचेंज तो होता ही होता है जब दो लोग साथ बैठते हैं तो ठीक तो है तो कल्चर एक्सचेंज भी ट्वेंटी टू बाई एफ आई सी सी आई अब एफ आई सी सी आई पहले तो ये जान लो क्या होता है ठीक है एफ आई सी सी आई बेसिकली क्या है लार्जेस्ट ओल्डेस्ट एपेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की ठीक है एफ आई सी सी आई ठीक है फुल फॉर्म इसका क्या है ये इधर मेंशन है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फुल फॉर्म ऐसे ऐसे वाले आप याद करके रखें ठीक है देन बात करेंगे कि ये आ, बेसिकली अवार्ड मिला है एफ आई सी सी आई से जो बेसिकली किसके रिगार्डिंग है आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट के रिगार्डिंग दिया गया है राजेंद्र सिंह पवार को ठीक है जो चेयरमैन है और फाउंडर है एन आई आई टी के ठीक है उनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अब इनको 2011 में ऑलरेडी पद्म भूषण भी मिल चुका है ठीक है बाय द प्रेसिडेंट जो हाईएस्ट आपका सिविलियन ऑनर है वो आपको मिल चुका है इधर मतलब सॉरी सॉरी प्रेस्टीजियस जो आपका सिविलियन ऑनर है वो इनको मिल चुका है ठीक है उसके अलावा अगर हम बात करें करेंगे मिला क्यों है इनका इनको ये चीज़ मिली है क्योंकि इनका आईटी सेक्टर में जो इन्होंने एडवांसमेंट की है एडवांसमेंट बीइंग अ ऑनर ऑफ एनआईआईटी ठीक है जो इन्होंने एडवांसमेंट की है जो एनी हाउ जो पीछे इनोवेशन हुए हैं जो एडवांसमेंट्स हुई हैं वो काम किसके आती हैं आने वाली जनता के तो ये जो सारी इनोवेशंस वगैरह हुई हैं इन सब के रिगार्डिंग जो इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है उनके लिए ही इन्हें क्या दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है ठीक है क्लियर है आगे चलें बाकी इन्होंने ट्रेनिंग सेक्टर में जो काम करा है वो इनका काम इधर लिस्टेड है देन हम बात करेंगे एफ आई डब्लू सी आई का जो एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड है ये आपके इंस्टीट्यूट हुए थे टू में ठीक है किस लिए कि लोगों की जो अचीवमेंट है और जो वो वर्क uh, मतलब काम कर रहे हैं इन द हायर एजुकेशन स्पेस ठीक है हायर एजुकेशन स्पेस में जो लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छा लोगों मतलब आईटी सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं रिगार्डिंग द हायर एजुकेशन सिस्टम तो उनके अचीवमेंट्स को या उन्होंने जो आ, क्या कहते हैं जो वहां पे काम किया है उसके एक्सेलेंस में ये अवार्ड जो वो है वो दिए जाते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है एक तरीके से उन्हें ऑनर किया जाता है ठीक है तो वो बेसिकली हाई एजुकेशन स्पेस के लिए है क्लियर है आगे चले आगे चले चलो गई तो द नेक्स्ट मेन इज कदले कई परिचय अब कदले गई क्या परिचय क्या है एनुअल फेस्टिवल है जो आपका कार्तिक मास में मनाया जाता है इन द बेसिकली आपका जो साउथ इंडिया है वहां पर ठीक है अभी ये कर्नाटका में जो है वहां पे सेलिब्रेट हो रहा है कदली करी कई कदली परिचय को हम यूजुअली ग्राउंड नट फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं ये जो आपकी क्या कहते हैं फर्स्ट मंथ ऑफ कार्तिक बसवागंधी इन बेंगलुरु ठीक है इनागरेट बाय द कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बसवराज बॉम्बई ऑन नवंबर 2022 ठीक है अगर हम बात करें कि मनाया क्यों जाता है जो ग्राउंड ग्राउंडनट की फर्स्ट फसल आती है सीजनल फसल जो आती है उसको सेलिब्रेट करने के लिए फेस्टिवल जो है मनाया जाता है ठीक है कहाँ पर मनाया जाता है नियर द दोदा गणेश टेम्पल एंड बुल टेम्पल इन बासावगुंडी ठीक है और ये जो बेसिकली है इसके अगर आप रूट्स देखो इस फेस्टिवल के तो काफ़ी पीछे आप देख सकते हो ठीक है इट्स अराउंड जो आपका क्या कहते हैं फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड ईयर ओल्ड हिस्ट्री जो बेसिकली आपका uh, बहुत पहले से ये जो चीज़ें मनाई जा रही है देन अगर हम बात करते हैं कोविड के बाद ये फर्स्ट टाइम मनाई जा रही है ठीक है पाँच सौ साल से मनाते आ रहे थे लेकिन पिछले दो साल से ये चीज़ नहीं हुई थी बिकॉज ऑफ कोविड ठीक है अब इसमें और कुछ नहीं है बस इसमें जो साउथ इंडिया के थ्री थाउजेंड लोग जो है वो पार्ट लेते हैं अराउंड uh, कहाँ से कर्नाटका आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु ठीक है किस लिए ग्राउंड नट की फर्स्ट सीजनल क्रॉप के लिए क्लियर है आगे चलें आगे चलें क्लियर है चलो ठीक है अब कॉन्टिन्यूस मरीन वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम सो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने इन एसोसिएशन विद डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग आई मद्रास उन्होंने एक डेवलपमेंट किया है किस चीज़ का कॉन्टीन्यूस मरीन वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन सो बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल के थ्रू ऑपरेटेड है जो आपका ये वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम है और ये पोर्ट टू पोर्ट क्या है ट्रेवल करके आपका जो वाटर क्वालिटी है उसको मॉनिटर करेगा कॉन्टीन्यूसली अगेन सस्टेनेबल इन्वायरमेंट की तरफ एक स्टेप है ये ठीक है जिसके थ्रू आप क्या है कॉन्टीन्यूस करते रहते हो अगर मॉनिटरिंग होती रहेगी तो वी नो कि दिस एरिया इज़ गेटिंग डिग्रेडेड इन द जो भी आपका वाटर है ये वाला जो एरिया डिग्रेड हो रहा है तो हम इसको ठीक करने के लिए कुछ कर सकते हैं तो इसलिए बेसिकली ये जो है करा जा रहा है ठीक है दे लॉन्च एन इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग व्हीकल मॉनिटरिंग व्हीकल और नवंबर ट्वेंटी फर्स्ट पर उन्होंने लॉन्च किया है एट द पोर्ट ठीक है इनोग्रेट किसने किया है आपका श्री संजय सेठी जो आई हैं और चेयरमैन है किसके जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के ठीक है अब ये बेसिकली आपके लिए फायदेमंद क्यों है क्योंकि कॉन्टीन्यूसली जो आपका मरीन वाटर क्वालिटी है उसका जो है क्या होता रहेगा मॉनिटरिंग uh, होती रहेगी और हम द मूवमेंट द वाटर क्वालिटी ठीक करने के लिए मेजर्स जो है वो कर सकते हैं ठीक है Then, continuous water quality system, electric monitor है तो इससे आपको एक हेल्प और मिलेगी जो ग्रीन हाउस गैस फुटप्रिंट है वो आपके डिक्रीज होंगे क्योंकि ये पूरा इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है तो ग्रीन हाउस एमिशन जो आपकी कार्बन uh, एमिशन है वो इससे डिक्रीज होंगे क्लियर है बाकी क्या क्या चीजें देखेगा ठीक है क्या क्या डाटा ये देखेगा दैट इज वाटर क्वालिटी सच एज टेम्परेचर पी एच डिजोल्व ऑक्सीजन अमोनिया कंडक्टिविटी नाइट्रेट सेलिनिटी टर्बिडिटी टी डी एस ऑफ मरीन वाटर एंड ठीक है मरीन वाटर क्वालिटी के सारी चीज़ों को ये देख के ये जो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा क्लियर है क्लियर है आगे चलें बाकी ऑपरेट ई व्हीकल पे कर रहा है तो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है ये चीज़ याद रखना क्लियर है आगे चलें सो मलेशिया न्यू प्राइम मिनिस्टर सो इसमें कुछ जानने का कुछ ऐसा नहीं है मलेशिया के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं जो पहले ऑपोजिशन लीडर होते थे उनको अपॉइंट कर दिया गया है दैट इज़ अनवर इब्राहिम ठीक है कौन बन गए हैं मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं uh, काफ़ी जो इलेक्शन हुआ था उसके बाद से डेडलॉक चल रहा था बट उसके बाद फाइनली ये जो है वो विनर बन गए हैं और इनको अपॉइंट किसने करा है बाय द किंग सुल्तान अब्दुल्ला ठीक है किंग सुल्तान अब्दुल्ला जो है उन्होंने अपॉइंट करा है ऑफिशियली uh, ठीक है क्लियर हो गया आगे चलें इसमें कुछ समझने को नहीं था चलो तो सी डी पी क्लाइमेट एक्शन लिस्ट सो मुंबई फर्स्ट इंडियन सिटी है जो आपका ऐड कर दी गई है किसमें ए लिस्ट में इन द फिफ्थ एनुअल सिटीज रिपोर्ट पब्लिश बाय सी अब सी आपकी क्या है सी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी वर्ल्ड uh, में जितने भी इन्वायमेंटल डिस्क्लोजर्स होते हैं जो आपकी जो सिटीज हैं वो खुद बताती हैं कि हमने इतना काम किया है हमने इतना काम किया है उसके ऊपर ये रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं ठीक है फॉर द कंपनी सिटीज़ एंड स्टेट्स एंड रीजन्स ठीक है और उन्हें रिकग्नाइज़ करते हैं इन द एरिया ऑफ वॉट टेकिंग बोल्ड एक्शन टू मिटिकेट एंड अडोप्ट क्लाइमेट चेंज कि क्लाइमेट चेंज के अंदर का so, मुंबई जो है आपकी उसको उसमें एड कर दिया गया है ए लिस्ट में ठीक है ए लिस्ट में मुंबई को आपका ए लिस्ट में बेसिकली क्या है एड कर दिया गया है अपार्ट फ्रॉम इट इसमें कितनी सिटीज हैं वन ट्वेंटी टू सिटीज अक्रॉस द ग्लोब ठीक है globe, जिनको इन्वायमेंटल लीडर्स के नाम से इस जो सी डी बी की रिपोर्ट है इसमें एड करा गया है ठीक है हमारे लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि मुंबई को ए लिस्ट में ऐड कर दिया गया है वाइस हो क्योंकि मुंबई ने रिसेंटली रिलीज की थी फर्स्ट एवर क्लाइमेट एक्शन प्लान इन 2022 टुवर्ड्स अ क्लाइमेट रेजलट रेजिलियट मुंबई ठीक है क्लाइमेट रेजिलियंट मुंबई के लिए उन्होंने एक ये जो क्लाइमेट एक्शन प्लान था जिसमें हमने क्या करा था बेसिकली कि मुंबई ने क्या आ, क्या अनाउंस किया था कि हम क्लाइमेट को लेकर अब अवेयर होकर और उसके हित में काम करेंगे आ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देंगे ठीक है क्लियर है आगे चलें आगे चलें चलो गैस। तो इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 ट्वेंटी टू आईपीआरटी इट इज इन न्यूज बिकॉज द एनुअल एपेक्स लेवल 2022 रिसेंटली कंडक्ट हो रहा है न्यू दिल्ली में 23 नवंबर से 25 तक ये जो वो कंडक्ट हुआ है देन अगर हम बात करते हैं इसकी थीम क्या रही थी ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव ठीक है इंडियो ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव भूपेंद्र यादव ने रिसेंटली इस टाइम पे एक बुक भी रिलीज करी है जिसका नाम है ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ ब्राउन टू अ ब्लू इकॉनमी ठीक है क्या ट्रांजिशनिंग फ्रॉम द ब्राउन टू अ ब्लू इकॉनमी इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज कि क्लाइमेट चेंज से किस तरीके से हम डील करेंगे बाय फोकसिंग ऑन बिकमिंग फ्रॉम ब्राउन टू ब्लू इकोनमी अपार्ट फ्रॉम इट ये ऑर्गेनाइज किसने करी थी नेशनल मेरी फाउंडेशन न्यू दिल्ली ठीक है और एक और चीज में डायलॉग मैंने क्या बोला था डायलॉग्स ठीक है डायलॉग सबमिट ये जितनी भी चीजें हैं डायलॉग सबमिट एक्सरसाइजेस बाय लेटर एक्सरसाइजेज अगेन क्या है एक्सचेंज ऑफ व्यूज यहाँ पर जो बुक ये जो रिलीज हुई है ये भी क्या है एक तरीके से व्यू पॉइंट्स को क्या है एक्सचेंज किया गया है ठीक है क्लियर है आगे चले चलो सो अरिथपति बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इंपॉर्टेंट वन एनवायरमेंट का है ठीक है सो so, अरथपति जो तमिलनाडु में तमिलनाडु की एक मधुरी डिस्ट्रिक्ट में एक साइट है ठीक है बायोडाइवर्सिटी साइट है इसको अब बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है इसके अंडर बेसिकली वाई इट इज सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ तमिलनाडू फर्स्ट ठीक है तमिलनाडु की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है और इंडिया की थर्टी ठीक है इंडिया की कौन सी है थर्टी फिफ्थ देन अगर हम बात करते हैं इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल थ्री रैप्टर्स ठीक है तीन रैप्टर रैप्टर क्या मतलब क्या होता है वो बर्ड जो प्रीडेटरी बर्ड्स होते हैं ये चीज याद रखना प्रीडेटरी बर्ड्स को हम रैप्टर्स बोलते हैं जैसे कि आपका ईगल हो गया ठीक है वो क्या है प्रीडेटरी बर्ड है तो उनको हम रैप्टर बोलते हैं तो तीन रैप्टर का एक घर है दैट इज़ आपका लेगर फैल्कन शहीन फैलकन एंड बोनेलीज ईगल देन वाइल्ड लाइफ अगर हम यहाँ पर देखें तो इंडियन पेंगोलिन सिलेंडर लॉरिस और पाइथन ठीक है इंडियन पेंगोलिन क्या होता है समथिंग लाइक दिस वो बिल्कुल यहाँ पर ऐसे कुछ ऐसे छोटा सा जैसे भागते हैं ना इस टाइप का एक छोटा सा होता है ज़्यादा बड़ा नहीं होता ये ठीक है सो तो ये बेसिकली क्या होता है इंडियन पेंगोलिन है देन सेलेंडर लॉरिस उसका मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपका उसके अलावा पाइथन पाइथन आर स्नेक्स ठीक है देन आ, यहाँ पर जो आपका अनईकोंडन लेक है वो भी आपका इसी एरिया में स्थित है अब ये जो है क्या कहते हैं बायोडावर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है अंडर द सेक्शन थर्टी सेवन वन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू अब वट इज वट आर देश वट आर बेसिकली बायोडावर्सिटी हेरिटेज साइट्स ये वो साइट्स है जहाँ पर कोई एक या मल्टीपल इन डेंजर स्पीसीज जो है वो वहाँ पर इंडिजिनस है ठीक है और उसकी हम बेसिकली फ्लोरा एंड फाउना दोनों चीज़ों को कंसिडर करते हैं और उनकी कंजर्वेशन uh, के लिए उनको बचाने के लिए वहाँ पर हम कोई भी जो है रेस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटी पे सो so, उनको हम बायोलॉजिक uh, क्या कहते हैं बायोडावर्सिटी हेरिटेज साइट्स में कंसीडर करते हैं अब एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं द बायोडावर्सिटी हेरिटेज साइट्स आर नोटिफाइड एरियाज दैट आर यूनिक एंड इकोलॉजिकली फ्रेजाइल इको ठीक है इकोलॉजिकल फ्रेजाइल इको है नोन फॉर होस्टिंग वन और मोन मोर कॉम्पोनेंट्स लाइक स्पीसीज नीच रेयर एंडमिक एंड थ्रेटेंड स्पीसीज की स्टोन स्पीसीज स्पीसीज ऑफ रिवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ डोमेस्टिक स्पीसीज एटसेक्ट्रा ठीक है इन सब को ये क्या करते हैं होस्ट करते हैं तो इनमें से कोई भी एक पैरामीटर इनमें से कोई भी अगर एक स्पीसीज को वो एरिया होस्ट करता है एंड इट इज अ इकोलॉजिकली फ्रेजाइल ठीक है उसको हिंडर जल्दी करा जा सकता है तो उसको हम क्या घोषित कर देते हैं बायोडावर्सिटी हेरिटेज साइट सो दैट इट कैन भी प्रिजर्व ठीक है so आगे देखते हैं सो वट इज़ द सेक्शन थर्टी सेवन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ठीक है अंडर द सेक्टर थर्टी सेवन बेसिकली क्या होता है कि स्टेट जो होती है स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी मिल जाती है ठीक है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके ठीक है कोई भी रूल बना सकते हैं रिगार्डिंग द रेस्ट्रिक्शंस इन दिस एरिया ठीक है area, कि ह्यूमन एक्टिविटी को किस हद तक हमें वहाँ पर लिमिट करना है उसके रिगार्डिंग जो स्टेट है वो कंसल्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ क्या बना सकती है पॉलिसीज बना सकती है फॉर द सेक ऑफ दैट इंडेंजर्ड स्पीसीज और दैट एरिया सो दैट इज दैट कम्स अंडर द सेक्शन थर्टी सेवन ऑफ बायो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ठीक है क्लियर है आगे चले क्लियर है आगे चले इसी के साथ साथ इसके अंदर वो स्कीम्स कंपनसेशन वो सारी चीजें भी बना सकती है ठीक है कोई भी पॉलिसी मेकिंग रेस्ट्रिक्शन मैनमेड एक्टिविटीज को करना भी अगेन पॉलिसी मेकिंग का ही पार्ट है बट एक नैरो टर्म है अगर मैं सिर्फ रेस्ट्रिक्शंस बोलू तो कोई भी पॉलिसी मेकिंग चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो वो वो कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट टू सेक्शन थर्टी क्लियर है चलो भाई हाँ चलते हैं

मतलब जो बगुला होता है उसको ऐसे होता है ना बगुला समथिंग लाइक दिस ऐसे लाइक समथिंग लाइक दिस तो ऐसा ही एक जो है बर्ड होता है जो जिसको ना जिसका नाम होता है हारगिला और हारगिला मींस बोन ईटर इन आसमी लैंग्वेज ठीक है हारगिला मींस बोन ईटर इन सॉरी बोन्स वेलोअर इन आर्मी आसमीज लैंग्वेज ठीक है सो so, उनकी कंजर्वेशन के लिए इन्होंने ये आर्मी बनाई थी दैट इज हरगिला आर्मी ये फुल्ली विमेन आर्मी है ये भी चीज आपको याद रखना है दैट इट इज फुल्ली ऑपरेटेड अंडर बाय द विमेन्स ओनली ठीक है अब ये वाई इट इज सो टू प्रोटेक्ट द स्टॉक्स इसको हम स्टॉक्स भी बोलते हैं देन द ग्रेटर एट स्टॉक इज द सेकेंड रेयरस्ट स्टॉक स्पीसीज इन द वर्ल्ड और ये जो आपकी स्टॉक स्पीसीज है यही वाली जो मैंने अभी बताई है आपको ये आपकी क्या है सेकेंड रेयरस्ट स्टॉक स्पीसीज है इन द वर्ल्ड में और उन्हीं को बचाने के लिए हार्गी आर्मी बनाई थी और इसी रीजन से इनको बेसिकली क्या मिला है इन्हीं सारे कंट्रीब्यूशन की वजह से यूएन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर ठीक है किनको डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को हु बिलोंग्स फ्रॉम असम क्लियर है चले आगे फुल्ली विमेन ऑपरेटेड आर्मी है भैया ये चीज रखना सब सिर्फ इसमें लड़कियां है, और हैं औरतें हैं लड़कियां हैं ठीक है और ये अवेयरनेस के लिए ना सर पे ऐसे कैप पहन के कैप के ऊपर वो जो ये प्रॉपर ये जो मैंने बगले वाला हेड बताया है ये उसके ऊपर प्रॉपर बना हुआ होता है ठीक है सो so, इस तरीके से एन्वायरमेंट uh, में जो बेसिकली उनके लिए फैलाने की कोशिश कर रही है अवेयरनेस चलो गाइस आगे चलें क्लियर है सब सो गए सब सो गए समझ में आ रहा है अभी तक पीछे कोई डाउट था प्लीज डू कमेंट वर्णा हम आगे चलते हैं न्यूज़ और बची हैं अपनी ट्वेंटी फाइव का ही अपना पैटर्न है हमेशा का मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसके अंडर आपकी कवर करा देती हूँ जो बाकी बचती हैं वो इतनी खास इंपॉर्टेंट रहती ही नहीं है मोस्ट ऑफ देम क्लियर अंडर दिस ओनली ठीक है ये भी अगर आप कर लेते हो तो मोर देन सफिशेंट है डिटेल्स पता होनी चाहिए चाहे वीडियो को टू एक्स पर करके देखो बाद में लेकिन मैं जो, मैं जो बोल रही हूँ वो सुन लेना क्योंकि स्लाइड्स पर जो होता है वो यूजअली थोड़ा सा कम होता है जैसे हारगिल आर्मी सिर्फ उस पर लिखा हुआ बट आई नो बेटर देन दैट तो वो चीज है 2X पे देख लेना सिर्फ पढ़ना मत सिर्फ स्लाइड से गो थ्रू मत करना अदरवाइज समझ आने में भी दिक्कत होगी ठीक है देन शहीदी दिवस की हम बात करेंगे जब भी कोई सॉरी जब भी कोई आपको स्लाइड या कुछ भी आपको प्रोवाइड हो रहा है स्टडी मटेरियल उसको हमेशा रेफरल पर्पज से यूज करें ना कि टीचर की जगह पे ही यूज़ कर लें कि कोई नहीं हम लेक्चर नहीं देखेंगे हम सिर्फ इनसे गो थ्रू कर लेंगे नहीं देर आर मेनी थिंग्स जो टीचर आपको थ्रू आउट द लेक्चर समझाता है वो उसमें मेंशन नहीं करता है क्योंकि जब आप स्लाइड्स या कोई भी कंटेंट बना रहे होते हैं टीचर्स तो तब ना दिमाग में इतनी चीजें होती नहीं कि लिखें ठीक है जब आप पढ़ाने लगते हो ना तब ये चीजें याद आती हैं ओ ये चीज़ ये थी चलो ये भी बता देते हैं। इस वर्ड का मतलब ये था ये भी बता देते हैं सो इट गोज लाइक दिस टीचिंग गोज लाइक दिस ठीक है सो so वो चीज ध्यान रखना कोई भी टीचर हो मैं मैं नहीं कोई भी टीचर हो ठीक है देन शहीदी दिवस की हम बात करेंगे सो so शहीदी दिवस वाई इट इज सेलिब्रेटेड जो हम जो सिख गुरु तेग बहादुर थे जो आपके नाइन्थ सिख गुरु थे एंड सेकेंड सिख मैट्रेार थे ठीक है नाइन सिख गुरु थे और सेकंड सिख मेट्रेयार थे ठीक है जिन्होंने सेक्रीफाइस करी थी अपनी लाइफ लाइफ फॉर द रिलीजन एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट मतलब सिर्फ अपने ही रिलीजन के लिए नहीं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट भी उस टाइम पे इन्होंने अपनी इन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कैसे करी थी आई एल टेल यू द होल स्टोरी हुआ क्या था कि औरंगजेब जो थे वो पूरे जनता को मुस्लिम कन्वर्जन के लिए फोर्स कर रहे थे ठीक है पीपल वर कोर्स टू कन्वर्ट इन मुस्लिम इन मुस्लिम रिलीजन ठीक है बट हर किसी का अपना बिलीफ था देरवर हिंदूज देवर ठीक है देरवर हिंदूज देवर देरवर क्रिश्चन देरवर सिक्स एज वेल तो इन्होंने बेसिकली आपका क्या किया था कि उनके खिलाफ ये लड़े थे कि ये कोई तरीका नहीं है इट इज़ अ एट्रोसिटी और इसी के वजह से जो गुरु तेग बहादुर सिंह थे उनको औरंगजेब ने पब्लिकली किल करा दिया था ठीक है उन्हें पब्लिकली मारा गया था जिसके अंडर आपका जो उनका जो हेड था वो आपका चांदी चौक के एरिया में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है वहां पर गिरा था ठीक है और जो उनकी बॉडी थी वो राइडिंग ऑन द हॉर्स ऐसा बोला जाता है in the tale, कि हॉर्स सच ही है ऑन द हॉर्स और उसकी उनकी जो बॉडी थी वो आपकी गुरुद्वारा रकब गंज साहिब ठीक है रकब गंज साहिब पर जाकर गिरी थी और जो उनका सर था वो आपका आशीषगंज साहिब पे गिरा था और ये दोनों ही प्लेस इसी रीजन से जो सिख रिलीजन है उसके बहुत हॉली प्लेसेस माने जाते हैं ठीक है सो so ये चीज़ आप याद रखें और इसी दिन को मेट्रेडम डे या फिर आपका शहीदी दिवस के नाम से जाना जाता है और डेट क्या थी आपकी नवंबर ट्वेंटी फोर ठीक है और ये जो थे नाइन्थ गुरु थे सिख रिलीजन के ठीक है नाइन्थ गुरु थे क्लियर है इनके बाद जो टेंथ गुरु थे दैट इज़ गुरु नानक साहेब अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम बात करेंगे आदि ग्रंथ की तो आदि ग्रंथ जो है उसमें टोटली इन्हीं का ही लिखा हुआ जो इन्हीं इन्हीं की ही जो आपके वर्क हैं वही आपके आदि ग्रंथ के अंदर कंपाइल्ड है किन के नाइन्थ गुरु तेग सिंह बहादुर की और अगर हम बात बहादुर सिंह जी के और अगर हम बात करते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में तो गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनकी वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन हाइम्स हैं जो इन्हीं की लिखी हुई है ठीक है गुर गुरु ग्रंथ साहिब भी क्लियर है आगे चले आगे चले चले आगे जो आपके फर्स्ट गुरु थे वो थे गुरु नानक सिंह जी ठीक है और गुरु नानक सिंह जी के ही ये बहुत ज्यादा अच्छे फॉलोवर रहे हैं इन्होंने थ्रू आउट द लाइफ इनके साथ बहुत ज्यादा मतलब जहां जहां जाते थे वो इनके साथ ही रहते थे ठीक है उन्होंने पूरा भारत भ्रमण जो था उनका वहाँ पर वो साथ ही रहते थे उनके साथ ठीक है और सेल्फलेस सर्विस करते थे लोगों की चलो नेक्स्ट मैन इज कटक बली यात्रा सो so, कटक बली यात्रा इज बेसिकली देखो बली यात्रा का बाली यात्रा नॉट बली यात्रा और इसको अगर हम बात करें रीजनल लैंग्वेज में तो वी कॉल इट एज अ बाली यात्रा ठीक है नॉट यात्रा यात्रा इन रीजनल लैंग्वेज ठीक है सो बाली यात्रा की अगर हम बात करें तो इन्होंने रिसेंटली गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ठीक है किसके लिए कि वाटर बोट की फ्लीट वाटर बोट की फ्लीट कितनी ट्वेंटी थाउजेंड पेपर बोट्स इन थर्टी फाइव मिनट ठीक है अब बाली यात्रा बेसिकली वहाँ का एक फेस्टिवल है ठीक है कहाँ का उड़ीसा का ठीक है कटक में सो बलि यात्रा बिगिन नवंबर एंड सेवनटीन ऑफ नवंबर तक वो आपका है. इस बार चला है ये कार्तिक पूर्णिमा को स्टार्ट होता है ठीक है और उसके बाद ये आपका एक हफ्ते तक मनाया जाता है ठीक है कार्तिक पूर्णिमा को स्टार्ट होगा और एक हफ्ते तक मनाया जाएगा इस ईयर ये 8th नवंबर को स्टार्ट हुआ है और सेवनटीन्थ को एंड हुआ है ऑल्डो इट वॉज शेड्यूल्ड टू एंड ऑन दिक्कसटीन बट गवर्नमेंट रिलीज कोरिजेंडम रिगार्डिंग दिस ठीक है नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी और उसके अंडर उन्होंने ये बोला कि ये सेवनटीन तक आपका सेलिब्रेट होगा अब इसके अंडर बेसिकली आपका क्या है मोर uh, देन uh, uh, क्या कहते हैं ट्वेंटी वन हंड्रेड जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसके अंडर पार्ट लिया है ट्वेंटी टू स्कूल से ठीक है और उन्होंने साथ में आके कहाँ पर बारावती स्टेडियम में ठीक है वाटर बोट्स वगैरह बनाए हैं और उनको एक साथ फ्लीट प्रोवाइड करी गई है और इसे गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने एंट्री कर ली है अब बाली यात्रा के बारे में अगर हम देखें तो बाली यात्रा का मतलब होता है वहाँ की लैंग्वेज में वेज ऑफ बाली ठीक है ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ओपन फेयर है एज आई टोल्ड कि यहाँ पर हर साल मनाया जाता है इट इज़ अ एनुअल वन जो आपका सात दिन लगता है मेला ठीक है एक तरीके से ठीक है अब ये क्या है टू थाउजेंड ओल्ड ईयर इसका जो है कल्चरल लिंक है जब आपका एनशेंट कलिंगा विच इज़ ओरिसा ठीक है एनशियट कलिंगा ओरिसा से इसका कनेक्शन है ये इतना पुराना जो है क्या कहते हैं फेस्टिवल है अपार्ट फ्रॉम इट जो आपके साउथ ईस्ट एरिया में जितने भी आपके साउथ ईस्ट एशियन रीजन जो है उससे भी इसका कनेक्शन है बलि यात्रा का ठीक है वहाँ का जो ये क्या कहते हैं ट्रेडिशन है उसके हिसाब से है ये ठीक है सो so, जिसमें आपके इंक्लूड होते हैं जावा सुमंत्रा बोर्नियो बर्मा एंड सलेन श्रीलंका ठीक है सेलेन कौन है सेलोन कौन है श्रीलंका ठीक है वो उसका पहले वाला नाम है ठीक है देन ये नाइन डे फेस्टिवल है आपका ठीक है मोर देन अ थाउजेंड ऑफ ईयर ये मनाया जा रहा है कार्तिक पूर्णिमा को स्टार्ट होता है अब इसमें क्या होता है एक साथ ही बहुत सारी जो आपकी बो बोट्स हैं उनको एक साथ सेल करना स्टार्ट करते हैं जब जो हवाएं हैं वो उनके फेवर में होती हैं ठीक है तो बहुत सारी बोट्स जो होती हैं इसमें एक साथ सेल की जाती हैं यूजुअली ये नॉर्मल बोट्स के साथ मनाया जाता है गिनीस वर्ल्ड बुक के रिकॉर्ड के लिए इन्होंने वाटर बोट्स का सॉरी पेपर बोट्स का यूज़ किया है याद रखना यूजली ये नॉर्मल बोट्स के साथ जो है यात्रा का कनेक्शन है ठीक है अब वाई इट इस वाई इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि जो कलिंगा है और जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा ट्रेड इनफैक्ट अभी भी ठीक है ट्रेडिंग ट्रेडिंग का जो अपना था रिलेशन बहुत अच्छा था फॉर द सेक ऑफ सिनेमिन कार्डमन सिल्क कैम्फर गोल्ड एंड ज्वेलरी इन सब का ट्रेड जो है वो होता था और एक तरीके से उसी की ही मेमोरी में उसी को ही आगे दिखाते हुए ये जो है आपका बलि यात्रा जो है उस तरीके से मनाया जाता है क्लियर है आगे चलें बलि यात्रा और बलि यात्रा सेम थिंग ठीक है क्लियर है आगे चले जैसे रीजनल जब भी हम कोई चीज बोलते हैं ना तो देर विल ऑलवेज बी अ डिफरेंट ठीक है डिफरेंस हमेशा रहेगा क्योंकि रीजनली हर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अलग होता है दे माइट कोल्ड यात्रा एज यात्रा वो या को भी जा बोलते हो ठीक है चलो भाई आगे चलो तो आई ए एफ एयर फेस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू एनुअल एयर शो है ठीक है एनुअल शो है किन का इंडियन एयरफोर्स का ठीक है अगेन क्या दिखा क्या किसके लिए है क्या शो केस करेंगे अपने नए नए जो भी उनके पास एरोप्लेन्स होंगे जो भी हेलीकॉप्टर्स होंगे क्या क्या हमारे पास ऑलरेडी है कितने हमारे पास हेलीकॉप्टर्स हैं किस टाइप्स हैं तो वो सारी बेसिकली जो उनके पास फ्लीट ऑफ हेलीकॉप्टर या फ्लीट ऑफ प्लेन जो है उनको शोकेस करने के लिए जो आपका ये एनुअल शो है एयरफेस ट्वेंटी ट्वेंटी वो जो है वो कंडक्ट होता है अभी इस बार के यहाँ पर कंडक्ट हुआ हैड क्वार्टर ऑफ मेंटेनेंस कमांड वायुसेना नगर इन नागपुर ठीक है 19th ऑफ नवंबर को सेलिब्रेट हुआ है कहाँ पर हेड क्वार्टर ऑफ मेंटेनेंस कमांड वायुसेना नगर नागपुर में ठीक है इट इज ऑर्गेनाइज एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव ठीक है वेरियस एक्सपेक्ट दिखाए हैं इंडियन एयरफोर्स के ताकि क्यों क्योंकि लोगों को हम इंस्पायर करें कि इंडियन एयरफोर्स का पार्ट बन जाओ ठीक है कि देखो हमारे पास कितनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज हैं कैसे कैसे कितना ज्यादा थ्रिल सीकिंग है कितना एडवेंचरस है इस फील्ड में काम करना तो वो सब यूथ को दिखा के उनको थोड़ा अट्रैक्ट करना टूअर्ड द इंडियन एयरफोर्स दिस इज द मेजर रीजन वाई दिस एनुअल शो इज बींग होस्टेड ठीक है सो ड्यूरिंग दिस शो अब हमारा जो मेन है फोर सारंग एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर डिस्प्ले जो लाइन ड्रॉपिंग मेनिवर्स लाइक डॉल्फिन लिफ्ट एंड क्रॉसओवर्स ठीक है जो क्रॉसओवर्स और जो डॉल्फिन लिफ्ट होते हैं वो वो शो कर रहे थे कि हमारी कैपेसिटी कितनी अच्छी है कितने अच्छे पायलट्स हमारे पास हैं जो इन्हें उड़ा रहे हैं ठीक है देन ये जो हेलीकॉप्टर है ये इंडिजिनसली मैनुफैक्चर्ड है बाय एच एल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ठीक है द सूर्य किरण एरोबिक टीम इन्होंने भी वहाँ पर फॉर्मेशन इन द स्काई दिखाई है ठीक है सो ये आपका एयर फेस्ट है ठीक है किसके लिए एनुअल शो है कौन कंडक्ट करता है इंडियन एयरफोर्स फॉर द सेक ऑफ अट्रैक्टिंग यूथ टुवर्ड द इंडियन एयरफोर्स और उसमें वो अपनी बहुत सारी स्किल्स को शो करते हैं हेलीकॉप्टर्स इक्विपमेंट जो भी उनके पास होता है नया बहुत थ्रिल सीकिंग एडवेंचरस अपनी फैसिलिटीज जो प्रोवाइड कर सकते हैं उन सबको शो करते हैं क्लियर है आगे चलें क्लियर है आगे चलें चलो गाइस सो so, सरस आजीविका मेला 2022 यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज श्री गिरिराज सिंह उन्होंने इनोग्रेट करा है क्या सरस आजीविका मेला एट प्रगति मैदान ठीक है न्यू दिल्ली जो आपका हॉस्टेट था सेवन टू ट्वेंटी थर्ड ऑफ द नवंबर ठीक है इसके अंदर बेसिकली क्या था कि स्टेट्स के स्टार्टअप स्टेट्स का कल्चर उन सबको बेसिकली क्या था आगे लाया गया था स्टार्टअप्स जो इंडिया है वो वर्ल्ड में थर्ड रैंक पर है इन द स्टार्टअप्स ठीक है थर्ड रैंक पर है इन द स्टार्टअप अब इसके अंदर जैसे आपकी एमेजोन फ्लिपकार्ट मीशो इन पे भी जो नए नए वेंडर्स जो लिस्ट हुए हैं जो वीमेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली वीमेंस जो लिस्ट हुई हैं या जो भी नए नए स्टार्टअप्स वहाँ पर आ रहे हैं वो सारे भी इसके अंदर आपके लिस्टिंग और उन सब का भी कंसीडरेशन इसमें दिखाया गया है ठीक है इसमें और कुछ जानने को नहीं है ठीक है बाकी एज अ पार्ट ये क्या है कि जितने भी प्रोड्यूसर हैं ये आपका किसका पार्ट है दो हमारी Uh, क्या कहते हैं एक मिशन था दैट इज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एंड स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन तो ये बेसिकली उन्हीं का ही क्या है कैरी ओवर है वही चीज आगे चल रही है उसी के अंडर हमने जो है इजी लोन वगैरह प्रोवाइड करे थे फॉर द सेक ऑफ स्टार्टअप्स एंड ऑल ठीक है सो उसी के कंटिन्यूएशन में ये है और उसी का यहाँ पर भी बातचीत हुई उसी को यहाँ पर दिखाया गया है क्योंकि प्रगति मैदान का फेयर वैसे भी सबने देखा हुआ है कि इट हेल्ड लाइक द कल्चर फेस्ट ऑफ प्रगति मैदान ठीक है वैसे हेल्ड होता है बट ये जो था ये सरसिका मेला के नाम से एक अलग हेल्ड हुआ था और उसी टाइप का हुआ था जहां पे स्टार्टअप और ये सब जो है वो शेयर किए गए थे क्लियर है आगे चलें। लास्ट टू न्यू टू न्यूज लेफ्ट लास्ट चलो गई आगे चलते हैं सो द नेक्स्ट वन इज जम्बो ट्रेल सो जम्बो ट्रेल बेसिकली क्या है अन्ना मलाई टाइगर रिजर्व अन्ना मलाई टाइगर रिजर्व कोइंबटूर इन तमिलनाडु उन्होंने रिसेंटली एक प्रोग्राम स्टार्ट करा है दैट इज़ जम्बू ट्रेल्स अब जम्बो ट्रेल्स के अंदर उन्होंने क्या स्टार्ट किया है कि जितने भी लोग वहाँ पर आ रहे हैं जो भी लोग वहाँ आ रहे हैं और जो भी उसमें पार्ट लेना चाह रहे हैं रजिस्ट्रेशन करें उसके अंदर वो क्या करेंगे कि आपको पर्टिकुलरली इस चीज़ के बारे में एजुकेट करेंगे रिगार्डिंग द फ्लोरा एंड फाउना जो भी उस एरिए की है ठीक है उन सब के बारे में क्या करेंगे एजुकेट करेंगे अब इसका जो था आ, ये स्टार्ट की करा है फील्ड डायरेक्टर एस रामा सुब्रमण्यू डेप्टी डायरेक्टर है कोलाची डिवीजन भार्गव तेजा जो फर्स्ट जंबो ट्रेल जो है वो कब से स्टार्ट होने वाली है आपकी आ, नवंबर ट्वेंटी सिक्स से ठीक है अब इससे फायदा क्या होगा फायदा क्या होगा इससे कि लोगों को एक तरीके से ट्रेनिंग मिलेगी रिगार्डिंग द जो भी मतलब इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग द फ्लोरा एंड फाउना और कैसे हम उसको कंजर्व कर सकते हैं तो हर चीज के बारे में उन्हें बताया जाएगा ड्यूरिंग दिस टाइम ठीक है प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेंगे कौन एडवांस वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर आताकती एंड इंप्लीमेंट कौन करेगा केलापूची इको डेवलपमेंट कमेटी ठीक है इम्प्लीमेंट करेंगे केलापूची डेवलपमेंट कमेटी और एडवांस लाइफ में एडवांस वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्या है इसको ऑर्गेनाइज़ करेगी अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम बात करते हैं कि इसके अंडर क्या होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसके अंडर एक तो प्री आ, आपको प्री रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको जो है ये जो जंबो ट्रेल है उसकी जो डेट है वो आपको बता दी जाएंगी ठीक है उसके अंडर आपका क्या है रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट को एटीआर के अंडर एक पर्टिकुलर जो साइंस वाले मतलब जो पर्टिकुलर वहाँ के साइंटिफिक ऑफिसर्स हैं जो इस चीज़ में ले इस चीज़ के अंडर स्पेशलाइज्ड हैं वो एक पर्टिकुलर सफारी काइंड ऑफ मतलब लेके चलेंगे आपको एक सफारी जैसे जंगल सफारी होती है बिठा के और वहाँ पे आपको रास्ते में जैसे जो जो चीज़ें दिखती जाएंगी उनके बारे में बताएंगे उनके बारे में समझाएंगे उनकी कंजर्वेशन के बारे में समझाएंगे सो पीपल वुड गेट एजुकेट ठीक है एजुकेटेड रिगार्डिंग दीज थिंग्स ठीक है तो ये उसका बेसिकली फायदा होगा क्लियर है चले आगे और इसके बाद वहां पर एक अम्बाली वॉच टावर है जो पूरा ऊपर से आपका जो पोलाची है उसका एक प्रॉपर बहुत अच्छा व्यू देता है तो वहाँ पर ले जाके वहाँ का एक मेजर जो फाइनल एक क्लास टाइप है वो कंडक्ट करेंगे वहां पे और भी ज्यादा डिटेल में चीजें समझा के फिर उन्हें फाइनली वापस ले आएंगे अगे काइंड ऑफ जंगल सफारी ठीक है विद द साइंटिफिक सॉरी स्पेसिफिक पीपल विद द स्पेसिफाइड नॉलेज ठीक है जो लोग उस एरिया में स्पेसिफाइड है उनके लिए उनके साथ सॉरी ठीक है चलो नेक्स्ट ट्वेंटी फिफ्थ लास्ट न्यूज वर्ल्ड हेरिटेज वीक तो द डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव एंड आर्कोलॉजी एंड म्यूजियम इज सेलिब्रेटेड इज सेलिब्रेटिंग द वर्ल्ड हेरिटेज वीक ठीक है नवम्बर नाइनटीन टू नवंबर ट्वेंटी फाइव तक ये सेलिब्रेट हुआ है और वर्ल्ड हेरिटेज वीक किस लिए ऑब्जर्व हुआ है कि प्रमोट करना है किस चीज़ को कंजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज को ये जो है लॉन्ग एक वीक तक ये सेलिब्रेशन चलता है जिसके अंडर आपका जो यूनेस्को है ठीक है क्या है इसका टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द ट्रेडिशन एंड कल्चर द वर्ल्ड हेरिटेज वीक इज सेलिब्रेटेड बाय यूनेस्को एंड सेवरल अदर इंटरनेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया ठीक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर यूनेस्को सेलिब्रेट करता है अपार्ट फ्रॉम इट ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर सेलिब्रेट करती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे की ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इसके फाउंडर कौन थे अलेक्जेंडर कलिंगहम और कब इसको फाउंड किया गया था दैट इज 1861 ठीक है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्लियर है आगे चले अब तो एम सी क्यू है एम सी क्यू स्टार्ट कर दें करें एम सी क्यू स्टार्ट किसी को बुलाना है एम सी क्यू के लिए कोई डाउट है एमसीक्यू स्टार्ट करें चलो भाई आ जाओ कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं अच्छा फिफ्टीन एमसीक्यू हैं है तो अपने ना मार्क्स कैलकुलेट करना मेरे को एंड में सबके मार्क्स देखने हैं कौन कितना स्कोर कर रहे हैं ठीक है जो भी टॉप करेगा उसको आज शाउट आउट करेंगे ठीक है उसका आज आउट करेंगे तो प्लीज कमेंट और जिसके भी एंड में अपने काउंट कर लेना क्योंकि मेरे लिए वो चीज़ ईजी नहीं होगी यहाँ कंडक्ट करते करते काउंट करना भी <coughs> फिर हम शाउट आउट जो है वो देंगे उस बच्चे को जिसने हाईएस्ट स्कोर करा होगा तीन चारों ने अगर हाईएस्ट करा होगा तो कोई दिक्कत नहीं तीनों चारों को शाउट आउट करेंगे ठीक है देखते कितने लोग हैं अब यही करेंगे जितने भी एमसीक्यू सेशन होंगे उनमें जो बच्चे टॉप करेंगे उनको शाउट आउट मिलेगा ठीक है चलो भाई सो एमसीक्यू प्रैक्टिस फर्स्ट वन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन रिगार्डिंग स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड की यहां बात कर रहे हैं इट वर्क्स ऑन एनएफसी एनएफसी पे काम करता है लॉन्च बाय आईडीबीआई बैंक विथ द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इट्स नेम इज फर्स्ट टैप नाम क्या है फर्स्ट टैप आंसर एवरी वन आंसर एवरी वन आंसर करो सब लोग वन एंड थ्री ओनली सी 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 ठीक है संजना वर्मा सी सी मनप्रीत कौर सी शिखा गुप्ता सी सी टफ कंपटीशन मिलने वाला है बच्चों को देखते किसका शाउट आउट आएगा सबके सेम आगे दिक्कत हो जाएगी <laughs> कितनों के नाम लूंगी मैं ठीक है सो वन एंड थ्री हेयर सी विल बी द करेक्ट आंसर आई डी बी आई नहीं आई डी एफ सी ठीक है चलो भाई नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन रिगार्डिंग स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार ठीक है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की हम यहाँ बात करेंगे

डी चलो भाई आंसर देख लेते हैं सो आंसर इज थर्टी सेवन नहीं थर्टी नाइन है ना थर्टी सेवन नहीं थर्टी नाइन सो डी विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हेयर ठीक है राइट डी 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 विल बी द करेक्ट आंसर चलो आगे चलते थर्टी सेवन नहीं थर्टी नाइन चलो नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू चू एंड चूज द करेक्ट वन रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया ऑन दिस डे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड इट इज अनाउंसड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट सोशल जस्टिस एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था थर्ड का सी सी बोथ एंड चलो इजी इजी वन वन ठीक है इजी था बहुत इजी सी 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 हाँ हाँ इजी वन चलो करेक्ट आंसर इज सी बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट चलो नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन रिगार्डिंग आईएनएस मोर एन आईएनएस मोर मुगा ठीक है इट इज डिजाइन बाय द वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो इट इज नेम्ड आफ्टर द फोर सिटीज इट इज द शिप अंडर द प्रोजेक्ट फॉर बी एक चीज और ये जो आपका प्रोजेक्ट अच्छा पहले आंसर कर दो फिर देखते हैं फोर्थ का आंसर देख दो फिर बताती हूं मैं इसके बारे में एक और चीज मार्क्स काउंट कर लेना अपने जितने भी बच्चे कर रहे हैं फोर्थ का ए वन एंड टू ओनली ए ए चलो भाई आंसर देखते हैं सो हेयर आंसर इज वन एंड टू ओनली फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट क्या है फिफ्टीन बी अब ये जो है इनका नाम कैसे रखा गया है जैसे आपका विशाखापट्टनम वाला पहले आया था तो देट वॉज फिफ्टीन ए फिर सेकेंड नंबर पर आपका कौन सा आया है ये आई एन एस मोर मुकाओ तो ये आपका क्या हो गया फिफ्टीन बी देन द नेक्स्ट विच सो एवर विल कम हमें नहीं पता ठीक है तो वो हो जाएगा फिफ्टीन सी देन द नेक्स्ट वन विल बी फिफ्टीन डी ठीक है तो ए बी सी डी इस तरीके से आपके जो प्रोजेक्ट हैं इस तरीके से वो आगे चलेंगे विशाखापट्टनमा वो फिफ्टीन ए दिसर दैटीज फिफ्टीन सी एंड फिफ्टीन डी ठीक है तो आपके चारों जो है जो आपके स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स हैं वो आपको इस तरीके से इन प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिलेंगे स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर क्या होते हैं जो छुपी हुई चीजों को जो बेसिकली रडार के अंदर भी नहीं आती और जो शॉर्ट रेंज में आपका एज अ डिफेंस काम करते हैं चलो आगे चलते हैं तो सिस्टम वो होते हैं जो खुद को कवर कर सकते हैं पंडुबी पंडुबी को इंग्लिश में क्या बोलते में भूल गई ठीक है तो वो आपका होता है दिमाग में याद नहीं आ रहा अभी ठीक है सब मरीन या सब मरीन देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन रिगार्डिंग समान वे ट्वेंटी ट्वेंटी टू आंसर एवरी वन डी 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 सबमरीन मरीन हाँ आ गया था मेरे को याद सबमरीन आ गया था आ गया था याद ठीक है चलो सो आंसर अभी वन सामान में रिगार्डिंग इट इज कंडक्टेड बाई इंडियन एयरफोर्स चीफ गेस्ट इज पी एम इट इज मल्टी एजेंसी एक्सरसाइज और फिफ्थ का आंसर है डी वन एंड थ्री ओनली यस पी एम नहीं हमारे कौन था यहाँ पे चीफ गेस्ट कौन था डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी चलो मल्टी एजेंसी एक्सरसाइज ट्रू बाय इंडियन और एयरफोर्स येस

जन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट यस विशाल राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री का सी वन है बीस का आंसर इसका आंसर वन होगा हाँ क्योंकि ऑर्गेनाइज बाय द स्टूडेंट वेलफेयर नॉट द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ठीक है स्टूडेंट वेलफेयर जो है वो ऑर्गेनाइज करता है देन इनागरेटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ट्रू गोल्ड वाटर फॉल्स नहीं ठीक है सो हेयर द आंसर विल बी द वन ओनली इट इज़ नॉट ऑर्गेनाइज बाय कश्मीर यूनिवर्सिटी इट इज़ ऑर्गेनाइज इन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर बाय द स्टूडेंट वेलफेयर चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट वन रिगार्डिंग नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन डे इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पॉलिसी टू प्रिवेंट द सुसाइड इट हैव फोर ऑब्जेक्टिव टू इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर सुसाइड विद इन द थ्री ऑब्जेक्टिव ठीक है वन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव क्या है ठीक है इट इज वन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव टू इस्टैब्लिश इफेक्टिव सर्विलेंस मकैनिज्म ईयर आंसर ठीक दी, 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 है द विल बी नन ऑफ क्योंकि बाकी सारे ठीक है फोर ऑब्जेक्टिव है ट्रू फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्रू सर्विलेंस बनाना है तीन साल में आने वाले में सुसाइड इफेक्टिव ट्रू चलो नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन रिगार्डिंग रिम एसोसिएशन Held at Dhaka in Bangladesh, it has 24 member states and 10 dialogue partners. 24 member states and 10 dialogue partners. <laughs> अरे कोई नहीं छोड़ो छोड़ो <laughs> अरे कोई नहीं कोई नहीं भाई कोई नहीं हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है चलो भाई एर्थ का आंसर दो ये कमेंट कमेंट बाद में खेलेंगे और मैं अगेन ये चीज़ बोलूंगी कोई भी दिक्कत हो किसी भी सब्जेक्ट में यू कैन कम एंड कंसल्ट मी किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग मैं अगर यहाँ होती हूँ तो यू गाइस कैन कम एंड कंसल्ट मी फ्रॉम एनी ऑफ द सब्जेक्ट ठीक है आई ट्राई टू रिजॉल्व इट एज मच एज आई कैन चलो आंसर आ रहा है एट्थ का सी तो हेयर द आंसर इज वन ओनली ट्वेंटी फोर स्टेट नहीं है कितनी स्टेट हैं ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट स्टेट्स हैं वाई सी वाई सी ट्वेंटी एट स्टेट्स हैं ठीक है कितनी स्टेट्स हैं ट्वेंटी एट दैन वाई सी बताओ भाई सॉरी 23, थ्री ट्वेंटी एट नहीं ट्वेंटी थ्री इवन आई ट्वेंटी थ्री स्टेट्स हैं नॉट ट्वेंटी फोर ट्वेंटी थ्री हैं बाई मिस्टेक आई वॉज सेइंग ट्वेंटी कौन सी की है फिर ट्वेंटी एट किसकी है ठीक है सो हेयर द आंसर विल बी द वन ओनली ट्वेंटी थ्री है ट्वेंटी एट नहीं ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ठीक है ट्वेंटी थ्री है ट्वेंटी फोर नहीं चलो नेक्स्ट consider the following statement and choose the incorrect one regarding garud shakti then it is a joint bilateral exercise it held between india and malaysia it was ninth edition आंसर एवरी वन नाइन्थ वन नाइन्थ का बी 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 ओके सो हेयर द आंसर इज टू ओनली ठीक है इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी थी टू ओनली ठीक है चलो आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन रिगार्डिंग कदली के ही परिचय कदली के परिचय के रिगार्डिंग ट्रू स्टेटमेंट इट आल्सो नॉन एस ग्राउंड नट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज नियर बुल टेंपल इट इज द फर्स्ट टाइम सेलिब्रेटेड आफ्टर द कोविड ओनली ये कोविड के बाद ही मनाया गया है आंसर है इंडोनेशिया के साथ है यस yes, करेक्ट मेरे को ट्वेंटी एट स्टेट्स वाली एसोसिएशन याद नहीं आ रही कई <laughs> बार ना टिप ऑफ टंग फिनिना एक साइकोलॉजी में होता है विच से इसके दिमाग में चीज घूम रही है और वो बाहर नहीं आ पाती बहुत सबके साथ होती है इट इज़ अ नेचुरल थिंग एंड इट हैपन्स मल्टीपल टाइम विद पीपल स्पेसिफिकली जो ज्यादा वो होते हैं ना कि डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड की चीज़ों को जो पढ़ लेते हैं वैसे कर लेते हैं उनके साथ ही सबसे ज्यादा होता है टी ओ टी ठीक है टिप ऑफ टंग फिनोमिना ऐसे हम बोलते हैं कई बार हम भी कहते हैं ना अरे जुबान पे दिमाग में घूम रहा है तुम लोग भी कहते हो तो वो दैट इज साइंटिफिक टर्म टिप ऑफ टंग ठीक है सो so, सो का सी सी द आंसर इज इट इज ऑर्गेनाइज नियर द बुल टेम्पल करेक्ट ग्राउंड फेस्टिवल करेक्ट पांच सौ सालों से मनाया जा रहा है कोविड के बाद फर्स्ट टाइम मनाया जा रहा है बट नॉट ओनली ठीक है चलो नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट वन रिगार्डिंग मरीन वाटर क्वालिटी सिस्टम करेक्ट वन देखनी है रिगार्डिंग द मरीन वाटर क्वालिटी सिस्टम एक चीज और किसी भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर रहे हो तो ओनली का ध्यान रखना कुछ कुछ वर्ड ऐसे हैं जो पूरा चेंज कर देते हैं ठीक है तो ओनली हो गया या फिर आपका एटसेकट्रा हो गया अगर एटसेक्ट्रा लिखा हुआ है तो वो स्टेटमेंट में अगर एक मैंशन है तो वो ठीक है क्योंकि उसके बाद भी और ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन अगर सिर्फ ओनली लिखा हुआ है सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के बाद और एंड यू नो दैट देर आर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन देन इट इज इनकरेक्ट ठीक है तो स्टेटमेंट्स का ऐसे ध्यान रखना कि ओनली है एटसेट्रा है वो कहना क्या चाह रहा है ठीक और इसका मेन चीज ये होता है कि क्वेश्चन को दो बार पढ़ें तीन बार पढ़ें ठीक है अल्टीमेटली उसको हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ लें एक बार ठीक है तो वो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा अ स्टेप टूवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट विल इंक्रीज द ग्रीन हाउस गैसेज फूट प्रिंट इट विल असिस्ट इन मैनेजिंग The water quality of the port areas. Yes, ma'am, बहुत बार होता है ऐसा हाँ tip of tongue phenomena is very common among the people. Very common. जब आप मल्टीपल बैकग्राउंड से चीजें पढ़ते हो दैन इट हैपन्स और कॉम्पिटिटिव <laughs> वालों के लिए तो बनता भी है ये चीज़ होना बट विथ टाइम जब आप ज़्यादा ज्यादा बार उसे रिवाइज करते रहोगे तो वो चीज़ क्लियर हो जाती है ठीक है टेंथ का सी सी इलेवेंथ का बताओ भैया अब टेंथ का तो देख लिया था हमने आंसर एवरीवन मेरा नेट स्लो गया है आप सबका नहीं पता इलेवेंथ का सी इलेवेंथ का सी क्या नहीं पता आंसर नहीं पता ओके तो टेंथ का बी स्टेप टूवर्ड सस्टेनेबल इनवायरमेंट थ्रू क्या बात हो रही थी कैसे कर रहा है ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल के थ्रू ठीक है ओशन हमारे मरीन वाटर क्वालिटी आपकी इन्वायरमेंट से बाहर आती है नहीं आती तो इट इज अटेप टूवर्ड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एज वेल क्योंकि एक तो हम वहां पे ईवी का यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल का फॉर ऑपरेटिंग दिस और इसीलिए इट विल इंक्रीज द ग्रीन हाउस गैसेज फुटप्रिंट ग्रीन हाउस गैसेज फुटप्रिंट क्या होते हैं जो हम बेसिकली ग्रीन हाउस एमिट ग्रीन हाउस गैसेज को एमिट करने के बाद जो हम एमिट करते हैं उसको ही हम ग्रीन हाउस फुटप्रिंट बोल सकते हैं कि एक जो सपोज एक बस है उसका ग्रीन हाउस फुटप्रिंट कितना है वो कितना ज्यादा एमिट कर रही है ग्रीन हाउस गैसेज फुटप्रिंट ठीक है सो इट विल इंक्रीज द ग्रीन हाउस फुटप्रिंट नो ठीक है सो so, ये वाला आपका फॉल्स है देन इट विल असिस्ट मैनेजिंग वाटर क्वालिटी ट्रू वन एंड थ्री विल बी द करेक्ट ठीक है हेयर आंसर वन एन थ्री विल बी द करेक्ट क्लियर है आगे चलें चलो भाई सो नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट वन रिगार्डिंग द क्लाइमेट एक्शन लिस्ट मुंबई टॉपड दिस लिस्ट 122 सिटीज नेम्ड एज लीडर इन एनवायरमेंटल एक्शन प्लान एंड ट्रांसपेरेंसी इन 2022 मैम इसकी स्लाइड एक बार रिपीट कर दो प्लीज कौन सा ये जो आपका एक सेकेंड ये मरीन वाटर क्वालिटी सिस्टम है इट इज़ इज़ दिस तो मरी मरीन वाटर क्वालिटी सिस्टम की बात हुई थी तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने इन एसोसिएशन विद डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग आईआईटी मद्रास के साथ डेवलप करा है कॉन्टीन्यूस मरीन वाटर क्वालिटी सिस्टम इलेक्ट्रिक एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग व्हीकल है ये ठीक है इलेक्ट्रिक पे काम करता है इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है इलेक्ट्रिक इंजन के थ्रू काम करता है तो अगर ये कोई पेट्रोल ऑपरेटेड होता है या डीजल ऑपरेटेड होता तो ये ग्रीन हाउस गैसेज एमिट करता अभी ये नहीं कर रहा है दैट्स वाई इट इज अ स्टेप टूअर्ड द सस्टेनेबल एन्वायरमेंट क्योंकि ये फर्स्ट एसे डेवलप मतलब ये डेवलप हुआ है इसके बाद अगर हम जितना भी अगर हम इस एरिया को डेवलप करते हैं या इस जो अपेरेटस है इसको और ज्यादा पोर्ट्स के लिए बनाते हैं इनकी मात्रा अगर हम बढ़ाते हैं तो एनवायरमेंट पे उसका कुछ गलत इफेक्ट नहीं आएगा अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम बात करते हैं कि इसका बेसिकली uh, फायदा क्या होने वाला है कि फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी एबल टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस फुटप्रिंट ऑफ व्हीकल ठीक है ग्रीन हाउस गैस फुटप्रिंट जो है इन व्हीकल्स का वो खत्म हो जाएगा क्योंकि ईवी के थ्रू वो ऑपरेट ऑपरेटेड हैं ठीक है क्लियर है इसीलिए वो ख़त्म हो जाएगा बेसिकली और साथ के साथ आपका क्या है कि जो मरीन वाटर है उसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग हो रही है तो जैसे ही थोड़ी बहुत जो सिचुएशन है डिग्रेडेशन में जाती है वाटर की तो हम उसको क्या करते हैं उसको कर्व करने के लिए स्टेप्स ऑन द स्पॉट्स ले ले सकते हैं रादर देन आपको वेट करो कि कब तक ये जो है आगे बढ़ जाए ठीक है मतलब बिल्कुल वर्स्ट चीज़ होने से पहले ही आप इसकी रोक कर सकते हो ठीक है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर सो इट विल हेल्प इन प्रिवेंशन तो करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो ये प्रिवेंशन में ही बहुत ज्यादा हेल्प करेगी वाटर क्वालिटी को खराब होने में ठीक है क्लियर है वाई इट इज सस्टेनेबल टूवर्ड्स डाउट है है कोई डाउट कौन से क्वेश्चन पे थे हम ट्वेल्थ पे चलो भाई तो मुंबई टॉप दिस लिस्ट ये तो हो। चलो भाई मुंबई टॉप दिस लिस्ट आंसर एवरी वन ट्वेल्थ क्वेश्चन अब क्लियर हो गया वो कुछ भी नहीं है बस वो वाटर का डाटा जो है वो भेजता रहेगा कॉन्टिन्यूसली कि भैया ये है ये दिक्कत हो रही है टर्बिटिटी ज्यादा इंक्रीज हो गई है पीएच बढ़ गया है सेलिनिटी बढ़ गई है ठीक है डिजोल्व ऑक्सीजन डिक्रीज हो रही है वो डाटा भेजता रहेगा तो उसके हिसाब से कर्बिंग मेजर्स कैन बी टेकन ठीक है प्रिवेंशन कैन बी टेकन कि वाटर क्वालिटी और डिग्रेड हो सो फर्स्ट वन इज मुंबई टॉप दिस लिस्ट वन टू सिटीज एज लीडर इन एनवायरमेंटल एक्शन एंड ट्रांसपेर टू थाउंड टू आंसर ट्वेल्थ का ए ए ए द आंसर इज मुंबई टॉप दिस लिस्ट है है ठीक मुंबई ने इस लिस्ट को टॉप नहीं करा है इट इज ठीक है मुंबई ए लिस्ट का पार्ट बनी है इंडिया की फर्स्ट सिटी है जो आपका ए लिस्ट का पार्ट बनी है अंडर दिस ठीक है चलो भाई नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन रिगार्डिंग बायोडावर्सिटी सिटी ठीक है बायोडावर्सिटी साइट्स सॉरी हाँ रिगार्डिंग द बायोडाइवर्सिटी साइट्सिंग ये किसने सी कर दिया किसने कर दिया भाई ये हाँ सो so, ये मे बी ऑटो करेक्ट है ठीक है सो अरिथपति बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट रिसेंटली गॉड इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट इट इज इंडिया थर्टी एट साइट इट इज होम ऑफ सिलेंडर लॉरिस सिलेंडर लॉरिस बहुत अच्छे समझाया था सिलेंडर लॉरिस मैंने उस दिन ड्रॉइंग कर करके समझाया था चलो भाई आंसर थर्टीन का ए वन एंड थ्री आंसर आंसर ए ए सो द आंसर इज ए दैट इज ठीक है ये दोनों ठीक है वो कर इनकरेक्ट है नंबर का डिफरेंस है बस ठीक है सो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं शहीदी दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन कब मनाया जाता है शहीदी दिवस आंसर एवरी वन थर्टी फिफ्थ साइट यस विशाल करेक्ट बी बी

कोई इजी क्वेश्चन होता है ना ऐसे एकदम से फास्ट 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 रिप्लाई आते हैं आंसर एवरीवन डी ऑल ऑफ द अबो डी डी चलो भाई आंसर है डी सबका ही आंसर ठीक है अब मेरे को सब मार्क्स बता दो चलो थैंक यू दैट्स ऑल फॉर टुडे, चलो भाई मार्क्स बताना किसके कितने आए हैं लिस्ट योर मार्क्स आउट ऑफ फिफ्टीन टेन प्लस है टू गो ठीक है फर्स्ट गो में ही अगर आपके टेन प्लस है गुड टू गो टेन से नीचे है नीड रिवीजन ठीक है फिर थर्टीन माई स्कोर इज ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स कैसे अच्छा थर्टीन ठीक है इलेवन थर्टीन 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 आउट ऑफ फिफ्टीन तो थर्टीन बहुत लोगों के आए हैं संजना वर्मा थर्टीन मनप्रीत कौर थर्टीन विशाल ट्वेल्व स्नेहा बसोया थर्टीन ईशिका श्वेता बीस थर्टीन चलो अच्छी बात है नाम्या थर्टीन साधना थर्टीन ठीक है अच्छी बात है सबके जो है टेन प्लस चल रहे हैं टेन प्लस अगर आ रहे हैं ना तो बेटर है ठीक है गुड टू गो वाली बात है क्योंकि इतने ही क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं एक मंथ से अगर आपका आता भी है एक वीक से तो एक या दो क्वेश्चन आपका करंट का टकता है इससे ज्यादा आपका नहीं आता ठीक है सो अगर आपके थर्टीन भी आ रहे हैं आउट ऑफ फिफ्टीन वेरी गुड ठीक है बाकी अगर दस से नीचे किसी की स्कोर है तो वो दिक्कत वाली बात है भाई ठीक है दस से नीचे अगर किसी की स्कोर है इतनी इलेबोरेशन के बाद भी सो दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न द पर्सन नीड्स रिविजन अपार्ट फ्रॉम इट कोई भी टॉपिक हो किसी भी सब्जेक्ट का फील फ्री टू कॉन्टेक्ट ठीक है कैसे भी कॉन्टेक्ट कर लो किसी भी इशू से रिलेटेड चाहे वो आपका एग्जाम एनजाइटी हो या आपको किसी का कोई टॉपिक समझना आ रहा हो कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो यू कैन फील फ्री टू आस्क इट ठीक है मेरे पास आके कभी भी पूछ लो आई एम ठीक है आई बी देयर टू हेल्प चलो गाइस आज का सेशन यही एंड करते हैं थैंक यू एवरीवन ठीक है कौन बनेगा करोड़पति यही एंड करते हैं हम अपना चलो गाइस बाय बाय वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर देना चलो बाय